बोलो भाई 2000 रुपए। शांति देवी, रहीम भाई जी, इन्हें 3000 रुपए दीजिए। जी अच्छा, इनकी बेटी की शादी के लिए। लो माई। भगवान करे प्रेम बाबू सदा बने रहे, मुझ विधवा का कल्याण हो गया। ठीक है ठीक है। हाजी साहब, रहीम भाई जी, इनके मदरसे के लिए इन्हें 10000 रुपए दीजिए। जी बेहतर, लीजिए जनाब। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे प्रेम बाबू को। आमीन। फरिश्ता है फरिश्ता। मुंशी जी, आज उनके दीदार नहीं होंगे क्या? क्यों नहीं? लीजिए, मालिक आ गए। आपके लिस्ट के मुताबिक सिर्फ 6 लोग बाकी हैं। मेवालाल जी साहब, इनके मकान की मरम्मत के लिए इन्हें 4000 रुपए दीजिए। जी मालिक, आप खुद ही दे दीजिए अपने हाथों से। लो। भगवान आपको और तरक्की दे, आप महान हैं, हम गरीबों पे आपकी छांव सदा बनी रहे। हमारे घराने पर बस यही कृपा बनी रहे भगवान, गरीबों की दुआएं मिलती रहे। तेरा लाख लाख शुक्र है, सब कुछ दिया है तूने, धन के साथ मन का चैन भी, तो हीरे जैसे बेटे, एक सुशील बेटी। माँ, बाबूजी कहाँ हैं आप लोग? जल्दी आइए प्लीज। क्या बात है बेटी? मेरे विजय भैया जिंदाबाद, सबसे अच्छी कविता के लिए उजाला वीकली का वार्षिक पुरस्कार उन्हें मिला है। अच्छा? देखिए बाबूजी, वो उजाला पुरस्कार विजय ने जीता है जी। हाँ देखो ना, अभी पढ़ाई खत्म भी नहीं की और नाम कमाना शुरू किया हमारे विजय ने। नाम क्यों नहीं कमाएगा मालिक, आखिर बेटा किसका है और बबुआ किसका है? मुंशी जी हमारा, उसे बचपन में इन कंधों पे हमने बहुत सवारी करवाई है। चुप चुप जियो मेरे लाल, बड़े भाई की छांव तले तुम भी पुना में पढ़ रहे हो बेटे, वो इतना नाम कमाने लगा है, तुम भी कुछ करके दिखाओ। अभी करके दिखाता हूँ, गिर ही नहीं सकता, शर्त जीत कर बताऊंगा। लगाओ आग। अरे इससे पहले कई शर्तें जीत चुका हूं। अबे कचरे में कहां जा रहा है? अबे बाहर निकल, अबे बाहर निकल। अरे दो घंटे दिखाई नहीं देते क्या? You idiot! ये गधा गर्ल्स हॉस्टल में लाने की तुमने जुर्रत कैसे की? मैंने तो सिर्फ सवारी की है, जुर्रत तो इस गधे ने की है। यहाँ पर कोई गधी रहती है क्या? Shut up you rascal! रास्कल रास्कल नहीं बोला, रास्कल रास्कल नहीं बोला। हाँ मैं एक शरीफ घर का लड़का हूँ, वो तो मैंने एक शर्त लगाई थी और शर्त जीतने के लिए मैं इस गधे पर बैठ गया। और तुम गधियों को, मेरा मतलब है कि तुम लड़कियों को मेरी तरफ से गवाही देनी पड़ेगी कि मैं इस गधे पर से गिरा नहीं, वरना मेरे दोस्त मानेंगे नहीं, समझी ना? हम भी नहीं मानेंगे, अब तो सबक सिखाने के बाद ही जाने देंगे। अच्छा। इस देश की पुरानी परंपरा है गर्ल्स क्या? कि गधे सवार का मुंह काला करके जुलूस निकाला जाता है। आइडिया ललिता, इस सूरमा के लिए मैं अभी कालिक लेके आती हूँ। अबे ओए गधे, जनान खाने से मुंह काला करवा के निकलवाएगा क्या? हैं, मर्द होने की कुछ तो हान रख। चल रवि, आज तेरी पसंदी यही है। हट हट हट, आज तो बच गया वो बदमाश, फिर कहीं दिखे। ये देख, कॉलेज स्टूडेंट है ललिता, इसका आइडेंटिटी कार्ड गिर गया। फर्गसन कॉलेज, रवि वर्मा। वाह, ये आसमान को लात मार रहे हो भैया या गर्दन मोटी कर रहे हो? चुप। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई कविता तैयार कर रहे हो। अरे डिस्टर्ब मत कर पाजी। बहुत दबा के बेल मार रहा। सवेरे सवेरे कौन आ गया? यस जी, विजय सिंह पहलवान यही रहते हैं क्या? विजय सिंह पहलवान या विजय वर्मा? जी नहीं, पहलवान। मैं बंबई के उजाला वीकली से उनका इंटरव्यू लेने आई हूँ। बंबई उजाला, विजय वो है क्या? हाँ वही है, वही है, विजय सिंह पहलवान वही है। अच्छा, अगर उनको पहलवान वालान मत कहिएगा, चिढ़ जाएंगे, इंटरव्यू नहीं देंगे। चिढ़ेंगे क्यों? मॉडर्न पहलवान है मैम साहब, अंगूठा छाप नहीं है, सिर्फ मिस्टर विजय कहलवाना पसंद करते हैं। ओ। मगर इनका बदन कुछ खास नहीं लगता। कल इन्होंने हिंद केसरी की गदा कैसे जीत ली? वो क्या है कि
चोर बदन है ना, चोर बदन, दंगल से पहले चार दंग पहले नहीं कि बदन फूलकर कुप्पा हो जाता है। अच्छा या। दंगल में तो लोग उनका वो कुप्पा बदन देखते होंगे। मैं इनके इस चोर बदन का फोटो ले सकती हूँ प्लीज? हाँ तो बड़ी चुपके से और फटाफट ले लीजिए फोटोग्राफ, और उसके बाद इंटरव्यू धड़ाके से, मगर जरा हल्के से क्योंकि आदमी जरा भड़कू है। आइए, हल्के से, आदमी भड़कू है। ए, कौन है आप? ये फोटो क्यों लिया आपने? सॉरी मिस्टर विजय, आपके चोर बदन का एक फोटो लेना था मुझे। चोर बदन? हाँ हाँ, क्या है कि आपका कुप्पा बदन तो सभी देखते हैं ना, अब मैं आपका चोर बदन दिखाऊंगी दुनिया को। ए, ये घर में घुसते ही क्या अनशन बोलने लगी? कौन हो तुम? मैं उजाला वीकली से आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। ओहो, तो कहिए ना, उजाला वीकली से इंटरव्यू के लिए आई हैं आप? ऐसी हालत में फोटो क्या ले रही हैं आप? खींचने दो ना भैया, कितने प्यार से खींच रही है, इसमें शर्माना कैसा? उतारो गाउन और खींचने तो तुम्हारे चोर बदन की तस्वीर इन्हें हर एंगल से। समझ गया पाजी, वैसी फोटो खींचने के लिए जरूर तूने ही भड़काया होगा इन्हें। मैंने नहीं भड़काया भैया, मैंने नहीं भड़काया, आप इनसे पूछ लीजिए। तुम्हारा खुला बदन देखकर ये खुद भड़क उठी। क्या बकवास कर रहा तू? अब मेरे बदन की तस्वीर खींचने के लिए आप कुछ कहती क्यों नहीं? आप कुछ कहिए ना। हमारे उजाला वीकली में आपका ये फोटो छपेगा। अच्छा, जी नहीं छपेगा। अगर छपेगा तो आप अच्छी तरह लीजिए मेरी। हाँ सॉरी, आपकी दूसरे तस्वीर भी खींच दूंगी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन आप ये इंटरव्यू मत रोकिए प्लीज। आइए तशरीफ लाइए। मैंने कहा था ना भैया ठंडे दिमाग के हैं। आइए। हाँ जी, आइए आप। हाँ वेलकम। मैंने कहा था ना मेरे भैया ऐसे। आइए मुड़े पे बैठिए, नहीं आप मेरे सोफे पे बैठिए। थैंक यू। हाँ जी पूछिए जो पूछना है। हाँ, मेरा पहला सवाल जी, आपको बदन बनाने का शौक कब से है? देखिए फिट रहने के लिए कभी कभार शीर्षासन कर लेता हूँ। मतलब के सवाल पूछिए आप, मेरे बदन के पीछे क्यों पड़ी हैं? वो क्या है भैया कि तुम्हारा चोर बदन इन्होंने खुला देख लिया है ना, अब तो तुम्हारे बदन से ही इन्हें मतलब है रे। मार खाएगा आगे बोला तो, अपनी बकवास बंद कर जाए। मुझे क्या है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मगर तुम अकेले पड़ जाओगे, सोच लो। देखिए यही बेहतर रहेगा प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। आप खामखा बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए ना, ताकि मैं इत्मीनान से। पकड़ लो मुझे, बटा लो मुझे, बैठ। देखिए देवी जी, आप जो कुछ पूछिए लेकिन पुरस्कार के बारे में पूछिए, वही सवाल। ठीक है जी, तो फिर ये बताइए कि ये पुरस्कार जीतने के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की थी? कुछ भी नहीं, बस कूद पड़े प्रतियोगिता में गुनगुनाते हुए और मार लिया मैदान। गुनगुनाने के अलावा आपने कुछ दाव पेच भी तो इस्तेमाल किए होंगे ना? कैसे दाव पेच? मैं क्या जानूं, ये तो आप ही बता सकते हैं। देखिए देवी जी, इस फन के सिर्फ दो ही दाव पेच हैं, एक तो सोचना, दूसरा गुनगुनाना। ताजुब है, सिर्फ गुनगुनाकर आपने उन सबको पछाड़ दिया? जी नहीं, धोबी पाठ से पछाड़ा सबको, क्योंकि आपकी नजरों में मैं कवि नहीं हूँ, एक पहलवान हूँ। पहलवान? जवानो ओ की कर दे पे मुड़ियो। करी बने पलान जी, लो लड्डू खाओ। कदी खुशी वास्ते? ओ कल मैंने हिंद केसी दा गधा जितया ना। ओ मुबारक हो जी, मुबारक हो। पुत्र तू भी लड्डू खांदा जा। ओ पापा जी, गल की हैगी है कि मेरे टेढ़े च पीड़ हैगी है, स्टमक दी प्रॉब्लम है। एना नु खवाओ शवाओ लेडीज फर्स्ट। परे परे पापा जी, मैं चले। यानी कि आप हैं विजय सिंह पहलवान? मैं नहीं, तो क्या आप हैं कुड़िए? ओ मुड़िया जी, कुड़ी वावा सोनी है, इन वोटी बना ला वोटी। कमाल कर दियो कुछ भी। पहलवान जी, मैं आपका इंटरव्यू लेने आई थी और ये धोखेबाज कहता है कि मैं हूं विजय सिंह पहलवान। मैंने कब कहा? आए पहलवान, विजय सिंह पहलवान। मैं मुड़िया, तू साढ़े पड़ोस में रहता है। बिल्कुल जी, तो खुद नू पहलवान कहता है। नहीं नहीं नहीं, मेरी शामत आई जी, मैं कहीं कह सकता, ये झूठ कहने दी, झूठ। तुम झूठ कह रहे हो, अभी अभी नहीं कहा था कि तुम ही हो विजय सिंह? मैं कब कहा? इसने कह देता, तैने मान लेता, अकल नहीं तेरे में, पहलवान लगता। मैं लगता हूं? जा, मैंने ना तैनू इंटरव्यू छ इंटरव्यू। पहलवान जी रुक जाइए ना प्लीज, प्लीज रुक जाइए। सुनिए, ठहरिए, आप भी कोई इंटरव्यू लेने आई हैं? जी नहीं, खबर लेने। किसकी? आपके छोटे भाई रवि की। आपके साथ क्या गुल खिलाया उसने? हमारे गर्ल्स हॉस्टल में गधे पे सवार होकर चलाया। लौट के तो आए जरा, पूरी तरह खबर लूंगा उसकी। अच्छा, तो ये हैं दुनिया के मशहूर हीरे, आबनूर, डायमंड। जी हाँ प्रेम बाबू, ये हीरे कभी शाहिरान के पास थे, अब हमारे आका शेख जुमेरा की मिल्कियत है। प्रेम बाबू, आप खासुल खास ज्वेलरी है, कारीगरी का तारीफ अमर मुल्क तक पहुंचा। ये तो ऊपर वाले की दया है शेख साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए मैंने कुछ खास डिजाइंस चुने हैं, देख लीजिए। प्रेम बाबू, ये 10 करोड़ के हीरे हैं, दुनिया भर के गैंगस्टर्स की नजर इन पर है। आप फिक्र मत कीजिए, अपनी दुकान तक पहुंचाने के लिए आर्म्ड गार्ड साथ लाया हूं मैं। दैट्स गुड। Thank you.
मेहरा के शेख ने हमारा डिजाइन पसंद कर लिया मुंशी जी। जी मैंने उनको जबान दी है कि आप नूर डायमंड्स का हार एक महीने में तैयार हो जाएगा। अजी 3 हफ्ते में होगा मालिक, आपकी जबान खाली नहीं जाने देगा इससे वक्त। सेठ जी हवलदार पूछते हैं रुके या जाएं? बस 1 मिनट, मैं खुद आता हूँ धन्यवाद देने के लिए। जी उस तिजोरी की दूसरी चाबी बनवा ली है शेठ जी। शाबाश मुंशी जी, शाबाश। ये लीजिए 50,000 रुपए पेश की, बाकी के 7.5 लाख रुपए आप नूर हीरे हाथ लगने के बाद। बाबा लेकिन सेठ जी कहीं मेरे हाथों में हथकड़ी न लग जाए। डरो मत मुंशी जी, डरो मत। ऐसी चाल चलूंगा, ऐसी चाल चलूंगा कि चोरी का इल्जाम तुम्हारे प्रेम बाबू पर ही लगेगा। उस धर्मात्मा के बच्चे से मुझे पुराना हिसाब चुकाना है। हथौड़ा धर्मदास सेठ कहाँ? दुर्लभ है दुर्लभ। क्या इतनी जल्दी ऊपर चले गए क्या? जी नहीं, नीचे हूँ आपके सत्कार के लिए। अरे कमबख्त बल बजाई होती है, आते ही गला फाड़ना शुरू कर दिया। आदत है, अपना गला फाड़ते हैं दूसरों की। तुम्हारे साथ ये जोकर कौन है? काम का आदमी है, काम का। दुबई से आ रहे हो? काम का आदमी दुबई से ही आता है। हाँ तो चलो उस कमरे में आओ। चल इधर देख सेठ। वाह सेठ, सोने का भाव बढ़ गया है। अब की बार हर 10 ग्राम पे 150 उगलने पड़ेंगे। देखो दुर्लभ, तुम्हारा मेरा लेन देन बहुत पुराना है, चूना मत लगाओ। चूना तो तुम लगाते हो सेठ, नाम के हो धर्म के दास और कर्म के पूरे शैतान। ओ खामोश, दाम बाद में तय कर लेंगे, पहले मेरी बात कान खोलकर सुनो। इंडिया में अब नूर डायमंड्स का सौदा करना बड़ा मुश्किल होगा और खतरनाक भी। अब नूर हीरे? वो तो इस दुनिया में हथौड़ा है सेठ, हथौड़ा। तुमने कहां से लपक लिए? वो सब छोड़ो, समझो कि मेरे कब्जे में आ चुके हैं। अब फौरन में उनके लिए कोई ग्राहक ढूंढो। फिकर नॉट सेठ, उन हीरों को मैं पार लगा दूंगा। नजर तो उठाओ बेटी, हम तुम्हारे लिए कलकत्ते से आए हैं, एक नजर देख तो लो हमारे बेटे को। तुम्हारे माता पिता ने तो हमारे अजीत को पसंद कर ही लिया है, मगर इसकी जिद है कि तुम भी पसंद कर लो, फिर सगाई होगी। इंग्लैंड में जो पढ़ा है। अगर इन लोगों की जिद है बेटी तो बता भी दो, हमारी पसंद तुम्हें ठीक लगी ना? फिर तो प्रेम बाबू बात पक्की ना? ठीक है, लेकिन शादी गर्मियों में होगी, जब इसके दोनों भाई पुणे कॉलेज से लौट आएंगे। मगर सगाई तो आज ही हो जाए समधी साहब। तो एंगेजमेंट रिंग पहना दूं आपकी बेटी को? अगर बेटी देनी है तो तुम्हारा मन तो रखना ही पड़ेगा बेटे, पहना दो। कम से कम 7 जन्मों की एडवांस बुकिंग है ये। अबे यही है वो लड़की, गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, सेठ धर्मदास की बेटी ललिता यही है। डाल दो इसे गाड़ी के अंदर। ये हरी छोड़ो मुझे। और ये तो फिर चले चलो। अबे 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 जा 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 ఎండిపుడా కుచ్చిపుడా నారుగుండ ఎండవా ఎండ పో ఎండ గో రావణ్ తుమారా అమృత్ కుండ కహాన్ యా గుడి గుడి ఆవ్ పపితా మేరా మతలబ్ హై లలితా ఆవ్ నౌ కిక్ అండ్ నౌ టర్న్ అరౌండ్ అండ్ జంప్ అండ్ డౌన్ అండ్ కిక్ అండ్ సైడ్ అండ్ స్టార్ట్ ఫైట్ లలితా
क्यों पापे जोर दी पै गई नहीं पाई ले तो फिर आया ले का चिकनी पोर की बुगुन दिया मागे लगलस का काटिया नाना किरे मदन खूब चिलकोने होची होची ना बेसरम तत्तन आसू करे छे आसू हम मा कैबरे डांस करे छे शरम नहीं आती के मुलीच्या मागे काढ्या तुला सांगितलं होतं ना तुला सांगितलं उस दिन तो रास्कल कहा था आज कौन सा टाइटल देना रैम्बो आपने बचा लिया वरना वो गुंडे मुझे किडनैप करके ही छोड़ते आई डोंट थिंक सो अगर मैं आप जैसी लड़की को किडनैप करूं तो 7 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा मजाक छोड़िए समझ में नहीं आता मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं शुक्रिया पेमेंट का है एक चटपटा सा तरीका मेरे पास मगर बाद में बताऊंगा फिलहाल आपके चेहरे पर जुल्फे बिखरी हुई हैं और सड़क पर किताबें आप इन्हें समेटिए मैं उन्हें समेटता हूं अच्छा किस एंड टेल ये लीजिए थैंक यू वेलकम एक और किताब थी कौन सी इंग्लिश नाम कहीं भी नजर नहीं आती आखिर कहाँ चली गई हाँ कोई बात नहीं मैं ढूंढ लूंगा बस नाम बता दीजिए मुझे एक बार उस किताब का मेरी सहेली ने दी थी पढ़ने के लिए आज ही पता तो लगे कि आजकल की लड़कियां कौन सा सबक पढ़ रही हैं थोड़ा बहुत आपके साथ हम भी सीख लेंगे बस नाम बता दीजिए मुझे किताब का नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा याद तो है मगर आप बताना नहीं चाहती टेल 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 मेरा मतलब है कि बताइए उसका नाम पहले आप बताइए आपने वो किताब चुपके से उड़ा तो नहीं ली अजी मेम साहब उड़ाना है तो आपका दिल उड़ाऊंगा वो भी चुपके से नहीं दिन दहाड़े किस करके कहा चली मेम साहब इस दिल की तस्कीन नहीं हुई शुक्रिया पेमेंट बाकी है अभी बचती है क्यों 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 बचती है क्यों मेरे दिल की ये बेल टिटंग टिटंग टिंग किस एंड टेल ला 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 La 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 la
आपका हार शेख साहब 10 दिन से तैयार पड़ा है। मुलाहिजा हो कारीगरी, तसल्ली कर लीजिए, आपके आबनूर डायमंड्स हैं। यू चीट, हमको फरेब देता है, ये डायमंड्स वो नकली है। ये नामुमकिन है, हार तिजोर में बंद करने से पहले मैंने खुद चेक किया था, हीरे असली हैं। नकली हैं? आप कहते हैं किसी ने असली हार चुराकर नकली हार आपकी तिजोरी में रख दिया? जी हाँ, हूबहू इसी डिजाइन का हार उसने कैसे बनवाया? आपने ये डिजाइन किसी को दिखाया था? सिर्फ अपने कारीगरों को दिखाया था। उसके बाद कारीगरों ने यह हार तैयार किया, असली हीरे आपने खुद चेक किए और अपने हाथों तिजोरी में रख दिया? जी हाँ। उस तिजोरी पर 2 ताले हैं, एक चाबी वाला, एक नंबर वाला। जी हाँ। चाबी दी थी किसी कारीगर को? नहीं। नंबर बताया था किसी को? किसी को भी नहीं। दोनों ताले तोड़े भी नहीं गए, तो क्या जादू मंत्र से किसी ने बाहर उड़ा लिया? कुछ समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। मैं समझाता हूं, कोई हार उड़ाया नहीं गया प्रेम बाबू, सिर्फ आप नूर डायमंड्स उड़ाए गए। जो हार आपने तिजोरी में रखा था वो आपके सामने है। कहना क्या चाहते हैं? अपनी ही दुकान के हार में मैंने नकली हीरे जड़वा दिए हैं? अरे वो तो खैर हो गई इंस्पेक्टर, हमारे आका ने इन्हीं की दुकान में वो हीरे चेक कर लिए थे, वरना वो हार लेकर हम अपने मुल्क चले जाते, फिर बाद में कहते कि हमने तो असली हीरे दिए थे। अरेस्ट दैट मैन इंस्पेक्टर, ये कुछ चोर है। शेख साहब, पर सोच समझ के बात कीजिए, सारे शहर में मेरी सच्चाई और ईमानदारी के चर्चे हैं, दूर दूर तक इस धंधे में मेरा नाम है, जिसे सुनकर आप मेरी दुकान पर आए थे, और अब आप ही मुझे चोर कह रहे हैं? फजूल का बात मत करो, हम असली डायमंड दिया तो नकली वापस क्या? ये अमानत में खयानत है, हथकड़ी लगाओ इंस्पेक्टर, वो डायमंड 10 करोड़ का था। तो वापस कर दूंगा 10 करोड़, भेज दूंगा अपना सब कुछ, मैं खुद मिट जाऊंगा शेख, नामो इज्जत को नहीं मिटने दूंगा, दुनिया को ये नहीं कहने दूंगा कि प्रेम बाबू ने अमानत में खयानत की है, तुम्हारे हीरे नहीं लौटा सकता, कीमत चुका दूंगा, भले मुझे सड़कों पर जाना पड़े। चीयर्स। एक हिसाब चुकता हुआ, सड़कों पर पहुंच गया प्रेम बाबू। कम ऑन, लेट अस सेलिब्रेट। हथौड़ा, वो अब तक सड़कों पर नहीं गया सेठ। क्या बकवास करते हो, सारे शहर में इस बात का चर्चा है, सब कुछ बिक गया है उसका। वो मकान मैंने खरीद लिया है, वो बाल बच्चेदार आदमी है, सोचता कि उन्हें लेकर वो कहां जाएगा? जहन्नुम में जाएगा, दर दर की ठोकरे खाने दो उसे। तुम भी अजीब किस्म के आदमी, मेरे दोस्तों क्या उसके? इसका सेठ, इसका जो मैंने तुम्हें पहले सोना पहुंचाया था, उसके हर 10 ग्राम पे 150 रुपया और चुकाओगे? देखो तुम, ठीक है चुकाऊंगा,
लेकिन सबसे पहले उसे घर से बाहर निकालो। ए कहां ला बाबू, निकल। कौन है आप? तेरा बाप। जबान संभाल छोकरे। चुप है बुड्ढे, एक लाफा मारूंगा सारे के सारे दांत हाथ में आ जाएंगे। ये बंगला मैंने खरीद लिया फर्नीचर के साथ। चल ये चलता फिरता कचरा बाहर निकाल। चल। चिल्लाइए मत मिस्टर दुर्लभ, जाते हैं। चलो लक्ष्मी चले, अपने ही घर से विदा लेने की घड़ी आ गई। मगर हम कहाँ जाएंगे बाबूजी? कोई दूसरा घर भी तो नहीं मिला। इस देश में लाखों लोग उस नीली छत तले रहते हैं बेटी, हम भी सही। अल्लाह न करे मालिक आप पे ऐसी नौबत आए। मेरा घर आप ही का तो दिया हुआ है, मुझे अकेली जान के लिए बहुत बड़ा है। चलिए वहीं चल के रहिए। अरे जाओ जाओ वहीं जाके रहो, मेरा टाइम मत खराब करो। चलो लक्ष्मी। सेठाने सौदा हुआ था कि घर का सारा सामान मेरा होगा, कपड़ा लत्ता ले जाओ, लेकिन ये मूर्ति यहीं पर रहेगी। लेकिन ये हमारे कुल देवता की मूर्ति है, ले जाने दीजिए ना। कैसे ले जाने दूं, बड़ी कीमती है सोने की। हमारे लिए तो सोने से भी कीमती है, आपके लिए तो पीतल है। पीतल? फिर ये मेरे काम की नहीं है, ले जाओ इसे। चलो आइए आइए मालिक, चलिए। नमस्ते प्रेम बाबू, क्या ये खबर सच है? लोग कहते हैं आपने अपना बंगला बेच दिया। कहने दो भाई, बस ये ना कहें कि मैंने अपना ईमान बेच दिया है। आपकी चिट्ठी। चिट्ठी लाए हो? परेशान लगते हो। हाँ? किसकी चिट्ठी है? रवि की। इस महीने उसने 3,000 ज्यादा मांगे। 3,000 और? क्यों? वो राइडिंग क्लब का चैंपियन बन गया है, दोस्तों को पार्टी देनी है। यहाँ दाल रोटी के लाले पड़ गए, वहां वो पार्टियां देना चाहता है। उसे साफ लिख दो जी, छोड़े वो फजूल खर्ची, अब हमारे वो दिन नहीं रहे। नहीं लक्ष्मी, अभी बेटों को ये इल्म नहीं होना चाहिए कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं। उनकी परीक्षा सर पे आ गई है, अगर दिमाग परेशान हो गया तो पढ़ाई में दिल नहीं लगा सकेंगे। मगर इतने रुपए लाओगे कहाँ से? हाँ वही सोच रहा हूँ, समझ में नहीं आता कहाँ से लाऊं। भगवान बेड़ा पार करेगा जी, अब ये चिंता छोड़ दो, आओ चाय पी लो। लीजिए रहीम भाई, बेच दीजिए इन्हें। नहीं मालकिन, आप सुहागन हैं, आपकी कलाई सोनी हो जाए ये मैं नहीं देख सकता। सुहागन का सबसे बड़ा श्रृंगार उसकी मांग का सिंदूर है, बस वो बना रहे, मुझसे उनकी परेशानी नहीं देखी जाती। लीजिए रहीम भाई, बेच डालिए इन्हें और मनी ऑर्डर कर दीजिए। मगर मालकिन आप... आपको मेरी कसम, घंटे पहले आते प्रेम बाबू तो सारा कर्ज चुका देता, अभी एक लेनदार को सारे पैसे दे दिए, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस कर्ज में से अगर 5-7 हज़ार भी मिल जाते। प्रेम बाबू, जहर खाने को पैसे नहीं। बैठिए चाय पीकर जाइए। अगर जहर खाने को पैसे नहीं है तो चाय का खर्च भी बचा लीजिए। हाँ
मुझे तो यकीन है बाबूजी कि हमारी बर्बादी में किसी एक आदमी का हाथ नहीं है। हूबहू उसी डिजाइन का नकली हार कैसे बन सका? जरूर किसी जानकार जौहरी ने बनाया है और आप ही के किसी आदमी ने आपका डिजाइन उस जौहरी तक पहुंचाया। उस डिजाइन का इल्म मुंशी जी के अलावा और तीन कारीगरों को था। सब भरोसे के आदमी हैं, अब किस पर शक करूं मैं? बाबूजी, जब आपने अबनू डायमंड्स तिजोरी में बंद किए तब आपके करीब कोई था? मुंशी जी थे। लो तो मुंशी जी ने लॉक का नंबर नोट किया होगा। सिर्फ लॉक का नंबर नोट करने से क्या होता है, दूसरे लॉक की चाबी तो मेरे पास थी। नकली चाबी भी तो बनवाई जा सकती है बाबूजी। कैसे बनवाई जा सकती है? असली चाबी हाथ लगे तब ना। वो चाबी तो मैं किसी को छूने तक नहीं देता। तब तो बाबूजी मेरा एक ही सुझाव है, आप उन चारों को पुलिस के हवाले कर दीजिए। पुलिस उनकी भजंतरी बजाकर कबूल करा लेगी कि असली मुजरिम कौन है। रवि, उन लोगों ने बरसों मेरे साथ नमक हलाली बरती है और तुम चाहते हो मैं उन्हें हवालात में बंद कराऊं, उन्हें तकलीफें पहुंचाऊं, बेइज्जत करवाऊं। अब उनमें से नमक हराम कौन है ये जानने का यही एक तरीका बाबूजी, और कोई नहीं। अगर उनमें से कोई नमक हराम है भी तो उसका पता चलाने के लिए मैं बाकी तीन बेकसूरों पे अत्याचार नहीं कर सकता। अब अत्याचार कैसा बाबूजी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जिन पर शक होता है उन्हें पुलिस में दिया जाता है। आप नूर हीरो तक पहुंचने के लिए आपको यह करना ही पड़ेगा। एक बार वो हीरे हमारे हाथ लग जाए ना तो हमारी खोई हुई दौलत भी वापस मिल जाएगी। खोई हुई दौलत हासिल करने के लिए मैं अपनी इंसानियत खो बैठूं? मैं उन लोगों में से नहीं हूं रवि। देखो रवि, पूरे कुनबे ने गरीबी के साथ समझौता किया, तुम क्यों नहीं कर सकते? कर सकता हूं बाबूजी, कर सकता हूं, लेकिन जब दोबारा दौलतमंद बनने का उपाय है हमारे पास तो खामखा गरीब क्यों बना रहे, ये सवाल है मेरा। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। सुनिए इसकी बातें, मुझे तो डर लगता है विजय, दौलत खोने के बाद कहीं एक बेटा भी ना खो बैठूं। आ हा 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 हा, गमला देती रहो कमला रानी, यही प्रेरणा बार बार देती रहो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लेख लायो तो इस टेबल पर, कहानी लायो तो इस धूल भरी ट्रे में, और कविता लाए हो तो रद्दी की टोकरी में। मगर एडिटर साहब, मेरी कविता को आपके उजाला वीकली का वार्षिक पुरस्कार मिला था। ओ हो हो हो, तो आप ही हैं कविराज विजय भाई, बड़े मौके से आए। इस समय मेरे भीतर भी कविता उत्पादन उबल रहा है। विराजिए विराजिए। थैंक यू सर। सर मैं अपनी नई कविताएं लाया हूँ किताब छपाने के लिए। सर वो क्या कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। और मुझे प्रशंसा की, सिर्फ दो हफ्ते पहले नया नया कवि बना हूँ, जरा सुनिए। चंद्रमुखी है तू, तू रोजनी भी नितंबिनी भी, ऐ मेरी कमला, नैन बाण छेदे जिसे वो प्राणी कभी न संभला, शहद का छत्ता कहूं तुझे या फिर कहूं तुझे फूलों का गमला। वाह 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 वाह, भाई कैसी कही। कविता जगत पे है ये भैया बड़ा भयंकर हमला। है ना, कविता जगत को हिला के रख दूंगा साहब, आखिर हमें कवि बना के ही छोड़ा इलायची ने। इलायची ने? जी हाँ, इलायची ने। जब कोई सुंदरी शेर जैसी मूछ वाले को इलायची खिलाए तो इसका अर्थ क्या हुआ? हो सकता है मूछ वाले के मुंह से बदबू आती हो। बदबू? जी। कैसे बन जाते हैं लोग कवि? अजी, इसका अर्थ ये होता है कि वो हो गई हैं हमारी मूछों पे मोहित और हमें इलायची दे दे के कर रही हैं प्रेरित। मुबारक हो सर, मुबारक हो। अब आप हमें भी थोड़ी प्रेरणा दे दीजिए। क्या मतलब, अपनी प्रियतमा आपको दे दूं? प्रियतमा नहीं सर, पैसा, कविताओं की किताब छपने का एडवांस। भाई देखिए, वो तो श्रद्धा देवी दे सकती हैं। मैं उजाला वीकली का एडिटर हूँ और पब्लिकेशन की मालकिन वो हैं। अच्छा तो फिर उनसे भेंट करवा दीजिए, बड़ा उपकार होगा आपका। हाँ तो फिर रुक जाइए, थोड़ी देर में आती होंगी। ठीक। कमला सुनिए जी, मुझे एकांत चाहिए। क्या? अकेलापन। कविता का उत्पादन फिर उबल पड़ा। ओहो, उत्पादिये सर, उत्पादिये। उत्पादिये? नहीं नहीं, उत्पादिये उत्पादिये। इधर लाओ ये फाइल। तुम्हारी ये हिम्मत प्राइवेट फाइल पढ़ने के लिए चोरी चोरी यहाँ तक आ पहुँचे? खुले बंदो आयो देवी जी, चोरों की तरह तो आप आती हैं फोटो लेने। लाओ ये। शट अप, बाहर निकलो। क्यों? मैं कहती हूँ बाहर निकलो। अरे थोड़ी बहुत क्रैक है क्या?
सीधी तरह से निकलते हुए चपरासी से कहूं कि धक्के देकर निकाले तुम्हें। अरे क्या निकालेंगे आप? यार राग धमाल क्यों छेड़ रखा है? देखिए तो नंबर जी, सेठ धर्मदास की काली करतूतों का भांडा फोड़ने के लिए मैं जो फाइल तैयार कर रही हूँ उसे मेरे ड्रॉयर से चोरी करके ये भागने वाला था। ये फाइल अरे मेरी है एडिटर साहब, ना जाने क्या बहर है मुझसे, पहले भी एक बार जबरन मेरे गले पड़ गई थी ये। वो गले में 400 पीसी तो इसने की थी। ये लम छटा हुआ बदमाश है, उल्लू बना रहा है आपको, जरूर धर्मदास ने भेजा है इसे जासूसी करने। जासूसी? देखा देखा इनकी अकल का नमूना मुझे जासूस कह रही है, ना जाने कैसे कैसे पागल पाल रखे शक्ति देवी ने। यू शट अप। अब आप ही फैसला कीजिए, ये फाइल मेरी है या इनकी? हाँ हाँ देख लीजिए देख लीजिए। हाँ राधा इसमें तो कविताएं लिखी है। देखा एडिटर साहब, इनकी फाइल तो ड्रॉ में थी और उसकी चोरी का दोष मुझ पे लगा रही थी। युवती के दोष को भी जो कर ले स्वीकार, उसी मर्द बच्चे का होता है बेड़ा पार, मैंने लिखी है। मेरा बेड़ा पार तो तब होगा सर जब मुझे एडवांस मिलेगा, बहुत सख्त जरूरत है। कब आएंगी आपकी ये श्रद्धा देवी? आज वो नहीं, केवल उनके फोन आएंगे, एक अभी अभी आया था कि वो नहीं आएंगी। फिर ये फिर आइए, ये फाइल यहीं छोड़ जाइए, हम उनको कल दिखा देंगे। ठीक है सर, है नहीं? चलता हूँ, नमस्कार। चलिए नमस्कार। कौन था वो? विजय वर्मा, वही जिसे कविता का वार्षिक पुरस्कार मिला है। हाँ, वो मेरा चेला बनना चाहता है। कमला जी। वो मसौदा टाइप कर डाला कमला जी? बस सर कर ही रही हूँ। देखो कहाँ तक पहुँची। चालू रहिए, प्रेम से चालू रहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लीजिए ना इलायची। धन्यवाद। एक संपादक के लिए ये पुरस्कार किसी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से कम नहीं है। खाई खाई। इंटरनेशनल इलायची जिस पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसी और को मत दीजिएगा। जी नहीं, आप ही को दूंगी। हाँ थैंक यू। विजय जी। अरे आप और यहाँ बॉम्बे में कैसे? यही रहती हूँ, ये ज्वेलरी शॉप मेरे डैडी से धर्मदास की है, उन्हें लेने आई हूँ। अच्छा वो आ गए। आपसे नहीं मिलूंगा तो फिर किससे मिलूंगा? डैडी मैं यहाँ हूँ। नमस्कार मुंशी जी। नमस्ते। कैसे आप? बस अच्छा हूँ विजय बेटे। आप यहाँ कौन है? ये प्रेम बाबू के बेटे विजय साहब। नमस्कार सर। प्रेम बाबू? हाँ। ललिता को कैसे जानते हो? वो जी कॉलेज की जान पहचान है। देखो बरकतदार जी, मैं नहीं चाहता कि प्रेम बाबू का बेटे मेरी बेटी से ज्यादा जान पहचान बढ़ाए। आइंदा ललिता से दूर रहना, समझे? सुनिए, इन्हें बाबूजी से क्यों बैर है? मैं क्या जानू विजय बेटे, ये तो बड़े लोगों की बातें हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, आज ये बाल बच्चों को लेके गांव जाना है। अच्छा अच्छा मुंशी जी। हाँ ये मारुति गाड़ी आपकी है? हाँ आपके पास कैसी है? बात यह है विजय बेटे के, हाँ पिछले महीने लॉटरी के कुछ टिकट खरीद लिए थे, बस लग गई लॉटरी। अच्छा अच्छा, लगता है तगड़ी लॉटरी लगी है आपको। जो शहर छोड़ के भाग रहे हो? जी नहीं, भाग कर रहा हूँ, आता रहूंगा ना कभी कभी। अच्छा चल चल, चल। क्या हुआ बेटे, कुछ काम मिला? बस जुटा हुआ हूँ माँ, बड़ी मालदार पार्टी है, पड़ जाएगा मामला। मामला पड़ जाएगा? यानी कि काम मिल जाएगा वहां, बस कुछ ही दिनों की बात है। लो भैया भी आ गए। अरे रवि तेरा कुछ हुआ? अरे कहाँ हुआ, आ गए बेटे। कविता संग्रह के लिए पेशकी मिल गई? नहीं माँ, कुछ दिन बाद बुलाया। अब तो एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है। तू फिक्र मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ बाबूजी, बाजार में मुंशी जी मिले थे, मारुति गाड़ी में घूमते हैं आजकल। इतना रुपया मुंशी जी के पास कहाँ से आया? यही तो सवाल है, कह रहे थे लॉटरी लगी है। लग भी सकती है बेटे, अपने अपने नसीब हैं। आप तो सारी दुनिया को अपनी तरह समझते हैं बाबूजी, ये क्यों नहीं सोचते कि मुंशी जी ने अपना नसीब खुद खोला है, वही आबनूर हीरे उड़ाकर। मेरा भी ये ख्याल है बाबूजी। मुंशी जी धर्मदास के साथ निकले थे उसकी दुकान से, दोनों में खूब छंड रही थी,
तुम लोग तो बेकार शक किए जा रहे हो। अरे मुंशी जी कुछ कामकाज के लिए गए होंगे धर्मदास के पास। कौन से धर्मदास भैया? वही जो जी हाँ वही जौहरी धर्मदास जिसकी बेटी ललिता को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। धर्मदास की बेटी से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई? वो बस यूं ही बाबूजी, पूना में मेरे साथ पढ़ती थी ना, बड़ी अच्छी लड़की बाबूजी। मगर उसका बाप बड़ा गलत आदमी है, उन बाप बेटी से दूर रहो समझे। मगर क्यों, क्या किया सेठ धर्मदास जी ने? कुछ 15 साल पहले उसने एक ग्राहक के साथ हीरों की हेरा फेरी की थी। मुझे हीरे पहचानने के लिए कोर्ट में बुलाया गया था। धर्मदास मुझे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत देना चाहता था कि मैं उसके पक्ष में बयान दूं, लेकिन मैंने वही कहा जो सच था और मेरे बयान पे उसे 1 महीने की जेल हो गई थी। इसीलिए आज तक उसे बैर है आपसे। अब तो मुझे यकीन हो गया बाबूजी कि धर्मदास ने ही मुंशी जी को खरीद कर वो आबनूर हीरे उड़वाए हैं। लेकिन जब तक मुझे मुंशी जी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलता मैं उन्हें वफादार ही समझूंगा। अब घर बैठे सबूत मिलने से तो रहा बाबूजी, उसके लिए हमें कुछ करना होगा, बस आपकी आज्ञा की जरूरत है। तुम क्या करना चाहते हो? पहले तो सेठ धर्मदास से मेलजोल बढ़ाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी औलाद उस आदमी से किसी भी तरह का वास्ता रखे। धर्मदास से मेलजोल बढ़ाओगे तो तुम्हें भी जालसाजी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। मगर सीधे तरीके से वो हीरे हाथ नहीं आएंगे बाबूजी। तो ना सही, मैं कभी गवारा नहीं करूंगा कि मेरे बेटे किसी भी हालत में गलत रास्ता अपनाए। साफ साफ बताओ रवि, तुम धर्मदास से हीरों के लिए मेलजोल बढ़ाना चाहते हो या उनकी बेटी के लिए? ओफो, आप लोग ये क्या समझ बैठे? बेटा वो धर्मदास की बेटी है, दूर रहो उससे। मगर क्या ये जरूरी है माँ कि बाप अगर बुरा है तो बेटी भी बुरी हो? मुबारक हो मेरी जान, हम दोनों का प्यार भी रोमियो और जूलियट की तरह अमर होने वाला है। क्या है कि उन दोनों के घरानों में भी दुश्मनी थी और हमारे बापों के बीच भी कमाल की दुश्मनी है। दुश्मनी है? तुम्हें कैसे मालूम? कल शाम को पता चला कि हमारे बापों के बीच सांप और नेवले वाली सिचुएशन है और औलादें फांद पड़ी है धुआंधार इश्क में। हमारा प्यार अमर होके रहेगा डार्लिंग। अमर होने के लिए मरना पड़ेगा डार्लिंग, रोमियो जूलियट की तरह कतार घूम कर, मुझे उस तरह नहीं मरना। हाँ वैसे ये भी ठीक है, इश्क में उमर खयाम वाले पोज में मरना चाहिए, एक दूसरे को अंगूर खिलाते हुए, है ना? एक तरकीब है डार्लिंग, हम जहर से पहले अंगूर वाली सिचुएशन जमा देंगे। वो कैसे? अगर किसी तरह तुम्हारे बाप दी ग्रेट मुझे पसंद करने लगे और बाद में उन्हें पता चले कि मैं प्रेम बाबू का बेटा हूँ तो उनका जहर फीका पड़ जाएगा। गुड आइडिया, तुम मेरे बाप को मत बताना कि तुम अपने बाप के बेटे हो। तुम्हारे बाप को मैं नहीं बताऊंगी कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ। अरे भोंदू, ऐसे हमारी माओ को गाली लगेगी। मैं कब कहती हूँ किसी और को बाप बनाओ। हम कुछ दिनों के लिए अपने अपने बाप का नाम छुपाएंगे, बस इतना। हाँ तो फिर ठीक है, डन डन। तो चलो डैडी से मिलाओ तुम्हें, मेरी तरह उनके दिल में भी घर कर लो। लल्ली वो इतनी जल्दी पटने वाले नहीं है, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि मैं रोज उनके साथ 5-6 घंटे गुजार सकूं। उनके साथ काम करोगे? अरे तुम्हें हासिल करने के लिए मैं शैतान के साथ भी काम कर सकता हूँ। व्हाट, मेरे डैडी शैतान है? मैंने तो यूं ही मिसाल दी है, मेरी जाने जिगर के डैडी तो VIP है मेरे लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अति विशेष व्यक्ति। तो चलो मिलाओ, आज ही काम दिलाती हूँ। अरे ऐसे कैसे काम दे दूं बेटी, मेरा जो काम है उसके लिए तजुर्बा चाहिए और फिर खास किस्म का कैरेक्टर चाहिए। तजुर्बा हो जाएगा डैडी, और इनका कैरेक्टर बहुत ऊंचा है। यही तो मुश्किल है। क्या मतलब? यानी कि एक तो ऊंचा कैरेक्टर और फिर दूसरे तुम्हारी सहेली इनकी बहन है, कोई अच्छा सा काम देना होगा, ऐसा वैसा काम कैसे सौंप दूं? सेठ जी मैं ऐसा वैसा काम भी कर लूंगा, आप जरा सौंप कर तो देखिए। नहीं रवि नहीं, सोच समझ कर काम दूंगा तुम्हें। है? अच्छा इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, बाद में फिर कभी मिलना। ओके? जी हाँ। इंटरव्यू दिया है बेटे? दे तो आया हूँ माँ, अब नौकरी मिले तब ना, सोचो कब चाय पिला दे, बहुत थक गया मैं। चाय की पत्ती खत्म हो गई है भैया, कुछ देर सबर करो, रहीम चाचा राशन लाने गए हैं। रहीम भाई थैली खाली? हाँ मालकिन। कुछ भी नहीं दिया बनिए ने,
नहीं, कहां पैसे लाओ, उधार नहीं मिलेगा। अब रात का खाना कहां से आएगा माँ, घर में मुश्किल से पाव भर चावल ही बचे हैं। क्या हो गया तुम्हें? सोहन हलवा कोई भूले से ना खाए बाबूजी, मेरा वो दिल्ली वाला दोस्त है ना जमील, और तुम तो जानती हो माँ अपना जमील, अरे शायद तुम नहीं मिली उसे, तो दिल्ली से सोहन हलवा लेकर आ गया। अब सोहन हलवे की तीन तीन इतनी बड़ी टिक्किया उसने मुझे खिला दी, शुद्ध घी की वायु पेट से लेकर गले तक फुदक रही है, गैस हो गई गैस। अब तीन दिन तक मैं खाने की तरफ देख भी नहीं सकता। और मैं दूसरों को खाते देख तो सकता हूँ लेकिन खुद नहीं खा सकता। वो हुआ यूं माँ कि जब मैं घर लौट रहा था ना तो रास्ते में गोभी मिल गया। और वो भी दिल्ली से लौटा है, सोहन हलवा लिए? नहीं नहीं बाबूजी, उसके भतीजे का मुंडन था ना, इसने जबरदस्ती करके घर ले गया, और वहां उसने मुझे जिद करके इतनी कचौड़ियां रबड़ी रसमलाई ठोसा दी कि कल तक के लिए होगी छुट्टी, इसलिए आते ही मैंने तुमसे चाय मांगी थी हाजमे के लिए। और रहीम तुम घर लौटते वक्त रास्ते में तुम्हें कौन मिला था? कोई नहीं मालिक, मुझे कोई नहीं मिला। हाँ कल रात चूरन की फंकी जरूरत से ज्यादा फांकली थी, तो आज सुबह से लोटा लेकर बार बार बैतुल खला का दरवाजा झांक रहे हैं, आज फाका कर लेंगे कल सुबह। ठीक, तुम तीनों भूखे रहना चाहते हो ताकि घर के बाकी मेंबर कुछ खा सके? नहीं नहीं बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं बच्चों, सुख दुख बांटना हमारे घराने की परंपरा है। लक्ष्मी आंखों में आंसू क्यों? अपने दुर्भाग्य पर हमारे जीते जी अपने बच्चे भूखे रहे, ये दिन भी देखना था हमें। जल्दी हंसो, अब हंस भी दो, हम हैं तो क्या गम है, तुम हो तो क्या कम है, नहीं आज खुशियां तो गम बांट लेंगे, नहीं आज खुशियां तो गम बांट लेंगे, जो है रूखी सूखी वो हम बांट लेंगे, किसे दर पे ये सर नहीं है जुगाना, सलामत रहेगा ये घर ये घराना, सलामत रहेगा ये घर ये घराना। हो
छोटों के सर पे बड़ों का है साया, के छोटों के सर पे बड़ों का है साया। ये दौलत है अपनी, ये अपना खजाना, सलामत रहे रहेगा ये घर ये घराना। सितम हम पे कर ले सितम गर जमाना, सलामत रहेगा ये घर ये घराना, सलामत रहेगा ये घर ये घराना। मिस्टर विजय, मुझे आपसे कुछ कहना है। पिछली दो मुलाकातों में कोई कसर रह गई है क्या जो आप पूरी करनी है? देखिए, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज आइए ना, प्लीज बैठिए। कहिए, क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे उस दिन के लिए माफी मांगती हूँ। मैं आपको कभी गलत ना समझती। अगर उस दिन पूना में आपके भाई मुझे चकमा ना देते कि आप विजय सिंह पहलवान हैं। ओ, बड़ा ही शैतान है मेरा छोटा भाई, अक्सर ऐसी हरकतें किया करता जी। अब मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। चलिए, भूल जाइए वो सब। तो फिर इजाजत दीजिए, चलता हूँ। सुनिए तो जी, आजकल आप लोग बड़ी तकलीफ में होंगे ना, बुरा मत मानिए। हम अखबार वालों को नामवर लोगों की पूरी खबर रहती है। आप प्रेम बाबू के बेटे हैं ना? जी हाँ। पल में क्या से क्या हो गया, कुछ दिन पहले कितने बड़े आदमी थे। अब भी है राधा जी, वो निर्धन हो गए तो क्या। मानती हूँ गरीबों का पालनहार सदा महान रहेगा। अब तो बस एक ही फिक्र है मुझे, बाबूजी का सारा बोझ मैं अपने कंधों पे ले सकूं और घर का पूरा खर्च मैं चला सकूं। कविताएं छपवा के कितने दिन चला सकेंगे आप? आप कहीं अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कहां? इसी दफ्तर में मिलेगी। क्यों नहीं, मैं जानती हूँ श्रद्धा देवी को आपकी कविताएं बहुत पसंद है और वो थोड़ा बहुत मुझे भी मानती है। मैं बात करूंगी उनसे। थैंक यू राधा जी। आ गई श्रद्धा देवी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। बड़ी शानदार महिला है ये, और समझदार भी। चलिए उनसे मिलवा दूं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार। पुकार सुनने वाले नटखट उधर है मालकिन, लेकिन चमत्कार करने वाला नटखट तो इधर है, आपका बेटा। वो 2000 रुपए मुझे उजारा पब्लिकेशन ने दिए मां, मेरी कविता छपने का एडवांस। मेरे लाल, अजी सुनते हो, हमारा बेटा 2000 रुपए एडवांस लाया है। सच? वो लोग तुम्हारी कविता छापेंगे? जी हाँ बाबूजी। क्या बात। और बाबूजी, आपके आशीर्वाद से मुझे उजाला अखबार में असिस्टेंट एडिटर की नौकरी भी मिल गई है। वाह लक्ष्मी, ये है इस जौहरी का असली हीरा। मेरे कॉलेज की फीस भर दोगे ना भैया? कल से मैं कॉलेज जा सकूंगी ना? जरूर सुजाता, तू जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ाएगा तेरा भाई। ओ भैया, मैं सब पॉइंट्स नोट करके कल तुम्हारी नोटबुक वापस कर दूंगी। याद रहेगा ना? बोलो। हाँ, हाँ, मुझे याद रहेगा। ओके बाय। ओके बाय बाय। हेलो डार्लिंग। शट अप। आप? अरे छोड़ो आप वो शट अप वाला तीखा मुठी, चलने दो। कसम से बड़ी प्यारी लगी। कब आए कलकत्ते से? कल ही, और आते ही आप लोगों के बंगले पे गया, मगर वहाँ तो मेरी दुनिया ही अंधेरी हो गई। अब हम बंगले में नहीं छोटे से घर में रहते हैं, चलिए ना वहाँ, बाबूजी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। अरे उन्हें बाद में खुश करते रहेंगे, पहले हम दोनों तो जी भर के खुश हो लें। तो चले, आज अपना मूड बड़ा नटखट है, आओ चले। नहीं नहीं, माँ घर में मेरी राह देखेंगी। अरे वो घर पे बैठी है डार्लिंग, और तुम्हारा होने वाला पति कॉलेज गेट पे 3 घंटे से तुम्हारी राह देख रहा है।
उसका कुछ तो ख्याल करो। चुपचाप चलो, मुझे आज रात के प्लेन से वापस जाना है। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे चलो यार। क्या हाल है डीडी सेठ? अरे दुर्लभ आओ भाई, क्या खबर लाए हांगकांग से? खबर तो रेडियो पे आती है सेठ, हम तो घर पर आए हैं अब नूर हीरो के लिए। अच्छा वेरी गुड, कहाँ है वो? जू के बंगले में ठहरी है, वहीं जाके हार दिखा दो, सौदा पट जाएगा। अरे भाई ये रास्ता क्यों रोका है, कौन है तुम लोग? सीधी तरह वो हीरो का हार निकालो सेठ। हाँ निकालता हो, भाग से रास्ता नहीं मिलेगा। हार निकालो सेठ। कौन सा हार? ये हार। नहीं निकाल वरना तेरा भी कीमा बना डालूंगा। निकाल देख साले सेठ, खबर निकाल साला देख। पहले पहना अंकल जी, जीते रहो बेटे। अंकल जी आप भी मर्द है, बिलीव मी। पैर रे तके ओहो, रवि आज तुमने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। बहुत बड़े नुकसान से? हाँ क्यों, इस बॉक्स में करोड़ों का हार है क्या? हाँ? नहीं नहीं, एक 2 लाख का होगा सिर्फ। अच्छा अच्छा, लेकिन जो एहसान तुमने मुझ पर आज किया है उसका बदला मैं कैसे चुकाऊंगा? सेठ जी मुझे अपने काम पे रख लीजिए। पर कौन सा काम दूं तुम्हें? अब कोई ऐसा काम जिससे मैं साल डेढ़ साल में कम से कम लखपति बन जाऊं। सीधे और सच्चे काम करने से इतनी जल्दी कोई भी लखपति नहीं बन सकता रवि, वो लोग दूसरी किस्म के काम करते हैं। मैं तीसरी और चौथी किस्म का काम भी कर सकता हूं सेठ जी, क्योंकि मैंने देख लिया है इस दुनिया में जिसके पास दौलत होती है दुनिया उसी का नाम लेती है, इसलिए दौलत कमाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ? सब कुछ, आप आजमा कर देखिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन ललिता, आप ललिता की फिक्र मत कीजिए, मैं उसको थोड़ी बताऊंगा हम लोग कौन सा गुल खा रहे हैं। ओ हाय ललिता, कहाँ है तुम? अभी सेठ जी के साथ। बेटी आज से हमने रवि को नौकरी पर रख लिया है। वंडरफुल, क्या काम दिया है? अपना सेक्रेटरी का। हाँ सेक्रेटरी का। अच्छा अच्छा भाई, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं ये बॉक्स तिजोरी में रखता हूँ। जी वेरी स्ट्रेंज, उस दिन मेरे कहने पर भी डैडी ने तुम्हें काम नहीं दिया, आज कैसे दे दिया? साहब टिशम का कमाल है, इस हार को हासिल करने के लिए कुछ गुंडों ने तुम्हारे डैडी पर हमला किया, मैंने उनकी छुट्टी कर दी, नौकरी हासिल कर ली। और जानती हो गुंडे कौन थे? कौन थे? वही जिन्होंने तुम पर पूना में हमला किया था। बड़ी मुश्किल से धर्मदास को चक्कर में डाल के वो हीरे उसके घर से निकलवाए थे ताकि तुम लोग उसे रास्ते में लूट लो। मगर हम करें। अरे तुम लोग मर्द नहीं हो, छोड़ के छोड़ के पुणे में भी धर्मदास की लौंडों को नहीं उठा पाए थे। वहाँ भी तो वो लौंडा आ गया। तोड़ा, मुझे सड़क पे बेहोश होने की एक्टिंग करनी पड़ी वरना साले का दर्द था। तोड़ा ऐसे जूता मारा वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जोर से घुसा क्यों मारा? तूने सड़क पे इतनी जोर से लकड़ी क्यों मारी थी बूदने के? पकौड़ा उछला सर पे, आए धीरे से मारता तो वो सेठ नहीं डाल लेता और फिर पोल खुल जाती, फिर क्या होता? अब वो अब नूर हीरे उड़ाने के लिए मुझे कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सो रही हो क्या? नहीं
लेकिन यूं परेशान कब तक रहेंगे आप? तुम्हें परेशानी नहीं है? रात का एक बजने गया, अभी तक रवि नहीं लौटा। आ जाएगा, आप सो जाइए ना। माँ हो ना, इसलिए कह रही हो। अगले जन्म बाप बन जाना, फिर पता चलेगा औलाद का दर्द क्या होता है। अरे हंस क्यों रही हो? इस उम्र में भी आप बच्चों जैसी बातें करते हो। ठीक है, अगले जन्म में मैं बाप बनने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि आप माँ बनना। शायद आ गया। जी बाबूजी, घड़ी देखी? बंद पड़ गई है क्या? चालू है। ये कोई घर आने का वक्त है? वो क्या आ गया बाबा? तुम्हारी बहन की नींद टूट जाएगी। इस वक्त मैं तुम्हें ठीक से डांट भी नहीं सकता। इस वक्त सिचुएशन जो है वो डांटने वाली नहीं है बाबूजी, आशीर्वाद की है। रात को एक बजे घर लौटने का आशीर्वाद चाहते हो मुझसे? जी नहीं, नौकरी मिलने का आशीर्वाद चाहिए मुझे। नौकरी तुझे? कहीं सिनेमा घर में डोरकीपर बन गए हो क्या, जो इतनी देर से आए हो? वो क्या है बाबूजी, वो क्या है माँ? इंश्योरेंस एजेंट बन गया हूँ ना मैं। इंश्योरेंस एजेंट? फिर अब बड़ा बीमा हासिल करने के लिए बड़े बड़े लोगों से मेलजोल रखना पड़ता है, फिर उन्हें कुछ भी करना पड़ता। आज एक बहुत बड़ा सेठ मुझे अपने साथ टर्फ क्लब ले गया। अच्छा, फिर? हाँ माँ, तुम देखना कैसे मैं उसकी लाइफ को इंश्योर करता हूँ। अब देखो माँ, भले ही मैं आधी रात को घर लौटूं, लेकिन महीने का 8-10 हजार रुपया मैं बड़े प्यार से कमा लूंगा। तो फिर बोलो, कमा के दिखाओ बेटे, फिर मानेंगे। अच्छा जाओ, सो जाओ, वरना ये तुम्हारी माँ चहकती रहेगी और बच्चों की और मेरी नींद खराब हो जाएगी। जाओ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। जीते रहो बेटा। नाम में धर्म और काम में पाप। शहर के एक बड़े जौहरी जिनके नाम का एक हिस्सा धर्म भी है, जेवरात की दुकान के साथ एक क्लब चला रहे हैं, जिसके नाम में 3 जक्के जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारा 3 ACs क्लब। धरमदास बाहर निकाल! What nonsense! कौन हो तुम? घूरते क्या हो? हथौड़ा। What? यानी के पटाखा हो पटाखा। सेठ धर्मदास की छोकरी हो ना? हाँ। जाओ कह दो अपने बाप से कि दुर्लभ आया है, और ये भी कह देना कि मुझको घूर घूर के देख रहा था, भागकर आधा का कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए। जाओ। अब दुर्लभ को जानते हैं? क्यों, क्या हुआ? नीचे आया है, बोलिए आप उसे जानते हैं? हाँ। I'm amazed, Daddy। उस जैसे लोगों से जान पहचान है आपकी। वो क्या करते हो? तुम कैसे जानती हो? कैसे ना जानूंगी, आते ही मुझे घूरने लगा, बदतमीजी की बातें की, पक्का लोफर है लोफर। अब उसकी खबर लेता हूँ। उसे घर से बाहर निकालिए डैडी। हाँ जरूर निकालूंगा, लेकिन बेटी जब तक उसे निकालना लो तुम नीचे मत आना। ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? यह जुर्रत मेरे घर आकर मेरी बेटी को घूरा तुमने? और अब बाप को घूर रहा हूं। जी करता है तुम्हें कच्चा चबा जाओ। क्या बकवास करते हो? आज के उजाला अखबार में यह खबर कैसे छपी जिसमें मेरे नाम की तरफ इशारा है? मुझे क्यों दोष देते हो? मेरे नाम की तरफ भी तो इशारा है। मैं क्या बेवकूफ हूँ जो खुद अपने पापा को लड़ी मारूंगा? जरूर तुम्हारी तरफ से चूक हुई है, डेफिनेट। हो ही नहीं सकता, मेरे सारे आदमी भरोसे के हैं। बना मैं तुम्हें, तुम्हारा कोई आदमी विभीषण बना है, इसीलिए हमारे अंदर की बातें बाहर तक पहुंची है। कौन हो सकता है? मैं तो खुद परेशान हूँ। अगर ऐसे 2-4 लेख हमारे बारे में और छप गए तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे, मारे जाएंगे। दुर्लभ को मारने वाला कोई सूरमा इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। देख लूंगा मैं उस उजाला अखबार को। नहीं नहीं नहीं, चेंज नहीं करना, वो सारी गड़बड़ चेंज से होती है, जैसा मैंने कहा वैसा ही लिखो। नहीं नहीं, हेलो एडिटर नेटवर्क फोन पर। सुनो खच्चर, अगर जान प्यारी है तो धर्मदास के बारे में झूठी खबरें छापना बंद कर। अरे जा जा, हमको धमकी देता है, अभी तो शुरू किया है, दर्जनों लेख छपेंगे क्योंकि खबर सच्ची है। सुन बे जोकर नटवर, तू मुझे नहीं जानता इसीलिए चेक रहा है। मैं 4 कत्ल कर चुका हूँ, दोबारा तूने ऐसा लेख छापा तो मैं तेरी पुंगी बजा दूंगा। मैं तेरा बैंड बजा दूंगा,
फोन पे धमकी दे रहा है गीदड़। अरे माँ का दूध पिया है तो सामने आकर बात कर। शेर की मूछ रखता है ये मर्द बच्चा, नजर मिला के देख तेरी फूक खिसक जाएगी, हट। किसका फोन था नटवर जी? अजी था कोई धर्मदास का कॉकरोच, तुम्हारे लेग बंद करवाना चाहता है। अरे उसका बाप भी बंद नहीं करा सकता। तू जुटी रहे बच्ची, इन भेड़ियों का भांडा फोड़ के रख दे, खबरें और फोटो लाती जा, असली काम मैं करूंगा। मैं ये फोटो और खबरें ले आई तो फिर कौन सा असली काम रहेगा नटवर जी? छापना, छापने का हुक्म तो मैं ही दूंगा ना भैया। बड़ी मेहरबानी सर, हमारा काम तमाम हो गया, अगर आप इजाजत दें तो हम। बेधड़क जाइए, बेधड़क जाइए, मगर सुनो राधा, अगर उस कॉकरोच का फोन आए या वो खुद आए तो शेरों वाली इस मूछ को पुकार लेना, हम आ जाएंगे। जरूर सर, बड़े मेहनती हो दोनों, जाओ। आप तो हाथ धो के धर्मदास के पीछे पड़ गई हैं। वो इसलिए क्योंकि धर्मदास एक गिरा हुआ इंसान है, समाज का दुश्मन है, उसका भांडा फोड़ने के लिए ही तो मैं जर्नलिस्ट बनी हूँ। धर्मदास के लिए? उससे आपकी कोई निजी दुश्मनी है क्या? मुझे तो शक है कि हमें तबाह करने में भी धर्मदास का ही हाथ है। मतलब उस हार की चोरी में? जी, मगर उसने आपके खिलाफ क्या किया बताइए भी, आप उसकी हर बात कैसे जान लेती हैं? आप जानना चाहेंगे? मैं धर्मदास की जेवरात की दुकान में काम करता था, उसने मुझे एक पैकेट किसी को पहुंचाने के लिए दिया, मुझे नहीं मालूम था उसमें स्मगलिंग के हीरे हैं। रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मदास ने मुझे पुलिस के सामने पहचानने से इनकार कर दिया और खुद को बचा लिया। देखती हूँ कब तक बचा रहता है वो पाकटी। मैं साबित करके रहूंगी कि धर्मदास ही असली मुजरिम है। आपके नाम से ये झूठा कलंक मिटाकर ही चैन मिलेगा मुझे। वो लोग बड़े खतरनाक हैं बेटे, और तू अकेली जान। आप परेशान ना हो सर, राधा अब उतनी अकेली भी नहीं है। जीते रहो बेटे, जीते रहो। चलो भाई, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। चलो बाबूजी, अपना ख्याल रखना, और देखो मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। क्या करूं जालिम सलाहों को, ऐसी होनहार बेटी को कलेजे से भी नहीं लगा सकता। विजय, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए सर, बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। माँ माँ, बड़े भैया आ रहे हैं किसी लड़की के साथ। चल हट, विजय ऐसे चक्करों से कोसों दूर रहता है। वो चक्कर सीधा घर में पहुंच रहा है माँ, खुद ही देख लो। हाँ माँ, माँ बाबूजी हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ ये राधा है, राधा जी है, मेरे साथ काम करती है। अच्छा अच्छा, साथ काम करके लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, फिर मेलजोल तो बढ़ेगा ही। अरे बेटी खड़ी क्यों, आओ बैठो यहाँ, यहाँ बैठो आराम से। पहले आप तो बैठे ना माँ जी। देखा माँ, बड़ों का आदर करना भी जानती है। बड़ी सुशील लगती है। बेटी तुम अखबार में काम करती हो, तब तो काफी पढ़ी लिखी होगी। जी एमए तक। यानी भैया जितनी पढ़ी लिखी है माँ। खूब जचेगी जोड़ी भैया। तू अपनी बकवास बंद करेगी। मैंने क्या किया? आपने अपनी माँ और बहन से मेरे बारे में क्या कह दिया है? कुछ भी नहीं, कुछ भी कहा। क्यों माँ, तुम ही बताओ, मैंने तुमसे कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। कहने की जरूरत नहीं बेटे, मैं समझ गई। जरूरत से ज्यादा मत समझो तुम, मैंने बाबूजी से मिलाने लाया हूँ यहाँ। और तू चिंता मत कर, तेरे बाबूजी को भी राधा बेटी बहुत पसंद आएगी। अरे बाबा तुम लोग कमाल करते हो। जी आओ। ये राधा बेटी है, अपने विजय के साथ काम करती है। नमस्ते, आपसे मिलाने लाया है। राधा जी हमें तो बहुत अच्छी लगी बाबूजी, आपको भी पसंद आई ना? अरे पसंद कैसे नहीं आवेगी, हमारे विजय बाबू की पसंद गलत थोड़ी हो सकती है। मालिक हम सबका मुंह मीठा कराते हैं। मुझे भी कुछ बोलने दिया जाएगा कि नहीं, प्लीज। बोल बेटा बोल। मैं राधा जी को यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि आपको यकीन दिला सकूँ कि धर्मदास ने ही मुंशी जी के जरिए वो आबनूर हीरों का हार गायब करवाया होगा। अरे वो पुराना जौहरी है बाबूजी, ऐसा नकली हार जो असली से मिलता हो सिर्फ धर्मदास ही बना सकता है। राधा जी उसकी असलियत जानती है, इनके पिता को भी तबाह करने वाला वही है। इनके पिता को? जी। तुम्हारे पिताजी कौन है बेटी, बोलो ना, कहाँ है आजकल वो? जी जी बाबूजी, वो आजकल जेल में है। जेल में? अब तुम किसके साथ रहती हो राधा बेटी? जी मैं अकेली रहती हूँ। और तुम्हारी माँ? माँ अब नहीं है। और कोई रिश्तेदार? जी कोई भी नहीं। तो अब हमें अपना बनाओ बेटी।
हाँ बेटी, अब हमारे यहाँ आती रहना। अरे मालकिन, कुछ ऐसा काम करो कि ये बिटिया यहाँ से जा ही ना सके। इन्हें अपने घराने की बहू बना के ले आओ। वाह भैया वाह, तुम तो बड़े छुपे रास्ते निकले भाई। ये इनके साथ पूना वाली तकरार प्यार बनकर घर तक पहुंच। मैंने देखा नहीं आप यहाँ खड़े, वो दरवाजे से आते ही राधा जी को देखा तो बस देखता ही रह गया। आ, 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 अच्छा माँ जी, अब मैं चलूं? क्या है, जरा जल्दी घर पहुंचना था। अच्छा बेटी, अब आती रहना, इसे अपने ही घर समझना। विजय, राधा को घर तक छोड़ा। अच्छा नमस्ते। 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 बेस्ट ऑफ लक। रवि, विजय क्या राधा को पुणे से जानता है? हाँ माँ, और इन दोनों की जुगलबंदी मैंने ही तो जमाई थी। अच्छा? वरना तुम तो जानती हो माँ, विजय भैया रोमांस के माँ। तो 3 Aces क्लब में फोटोज लेने के लिए तुम अकेली जाना चाहती हो? आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो यहाँ बैठना पड़ेगा ना तुम्हारी रक्षा के लिए। मगर नटवर जी, वो वाकई बहुत खतरनाक लोग हैं, मैं जाऊंगा इनके साथ। आप फिक्र ना कीजिए, मुझे कुछ ना होगा। शेरनी। मेरी रक्षा करने के लिए कसरत हो रही है पहलवान जी। पूछ सकती हूँ आजकल आपको मेरी इतनी चिंता क्यों लगी रहती है? जानती हूँ आप ही होंगे। अपने काम में ध्यान लगाइए श्रीमान, मैंने कहा तो था मुझे कुछ ना होगा। तेरा तो बैंड बच जाएगा छोकरे। उजाला अखबार में हमारे खिलाफ तू ही लिखती है ना? कौन हो तुम? हथौड़ा। What? सुना है तू हसी है, जवा है और अकेली रहती है। रात को 5 मुस्टंडे आएंगे और तेरे को उठाकर ले जाएंगे और उसके बाद सब मिलकर बारी बारी तेरी गद्दर जवानी के साथ। नीच कमीना। हाँ जल्दी से आ जाइए छतरी के नीचे। मगर ये तो काफी है दोनों के लिए, आइए भी वरना भीगेंगे। अरे एक नजर अपनी छतरी पे तो डालिए, ये तो। अरे आप दूर खड़े रहेंगे तो कैसे बचाएगी, करीब आइए ना। ओफो, ऐसी बारिश में शर्माना कैसा? ये भी ठीक है, बारिश में नहीं धूप में शर्माना चाहिए। चलिए। हाँ चलो। वैसे इस मौसम में आप बिना छतरी के कैसे निकल पड़े? क्या करता, ऐसी लाजवाब छतरी मेरे पास नहीं थी ना। तो फिर नहीं निकलना चाहिए था, देखिए ना बारिश के साथ साथ हवा भी कितनी तेज चल रही है, ज्यादा भीग जाते तो सर्दी जकड़ लेती आपको। जरूर जकड़ लेती, लेकिन आपकी छतर छाया ने मुझे बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। चलिए मुझे भी। ओह सॉरी, मैंने जैसे ही आपको खिड़की से देखा मैं छतरी लेकर दौड़ी। बड़ी मेहरबानी की आपने।
बिल्कुल नए डिजाइन की छतरी है आपकी। विदेशी है क्या इम्पोर्ट? नहीं 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 जी, बहुत पुरानी है। अच्छा? पापा की है। ओह, अरे आप इतना भीगे कैसे? पसीने से जी, पसीने से। वो जो मैं शर्मा रहा था। वैसे आप अपनी बेमिसाल छतरी बंद कर सकती हैं, हम अंदर आ गए। हाँ हाँ।
आगे क्या तू यू शर्माई, तूने मेरी नींद उड़ाई, मैंने काहे लगाई, किसी जादूगर से किसी जादूगर से, धक 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 जैसे धक धक चीरा करी सावन बरसे, आंखों में छुपा लूं पलकों पे तुझको बिठा लूं, चुरा लूं नजर से, धक 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 डर से धक धक चीरा करे सावन बरसे, चीरा करी सावन बरसे। आइए सर, सब कुछ सेटल हो गया है। ओके, लेकिन माल सही होना चाहिए। हाँ सेठ जी, इस बात का फिक्र मत कीजिए, माल बिल्कुल सॉफिशिएंट सही मिलेगा। रवि हाँ, कल तक माल इन्हें मिल जाना चाहिए। मिल गया माल। हेलो, हैव अ नाइस टाइम। मीना, हाय मीना। हाँ तो ये जो क्या बात है, इतनी रात गए, सारा घर जाग रहा है आपके इंतजार में। मैंने तो आपसे पहले ही बताया था बाबूजी, कि बीमे का काम ही ऐसा, बड़े बड़े रईसों से वास्ता पड़ता है, और अगर उनको खुश रखना है तो रात को देर से आना ही पड़ेगा ना। आज किसे खुश करके आए हो? अरे करोड़पति सेठ, आज ही उसने मुझसे 10 लाख का बीमा कराया है। मैं तो अपनी कमीशन भी लेकर आया हूँ, 10,000 रुपए, इसे रख लीजिए बाबूजी। उस करोड़पति सेठ का नाम धर्मदास है ना? आपने हराम की कमाई, अरे कुछ तो सोचा होता कमबख्त। तेरे बाप ने अपनी नेक नामी बनाए रखने के लिए जिंदगी की सारी पूंजी लुटा दी, और तू मेरा अपना खून, मेरे अपने औलाद, जो ये खाने की कमाई लाया इस घर में। ये आपसे किसने कहा बाबूजी? मैंने कहा है। 3 ACs क्लब में तुम्हारी काली करतूतें देख चुका हूं। अरे उस दिन बाबूजी ने तुझे समझाया कि धंधा से मेल जोल बढ़ाएगा तो गलत रास्ते पर चला जाएगा। मैं गलत रास्ते पर हूं या सही रास्ते पर, इस बात का फैसला कुछ दिनों के बाद करना भैया। मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचने दो, ताकि हमारे अच्छे दिन दोबारा वापस आ जाए। तू हराम की कमाई से अच्छे दिन वापस लाना चाहता है? इस घर के हर इंसान ने इज्जत की गरीबी को कबूल कर लिया है, सिवा तेरे। गरीबी में कोई इज्जत नहीं होती बाबूजी। जब आप धनवान थे तो आपके दरवाजे पर वाह वाह करने वाले लोगों का मेला लगा रहता था, अब क्यों नहीं लगता मेला? सुन लिया तुमने, बिल्कुल धर्मदास का रंग चढ़ चुका है इस पर। मैं समझ रही हूँ इस पर धर्मदास का रंग क्यों चढ़ गया है, उसकी बेटी के इश्क में जो कुछ कर रहा है उसी के लिए कर रहा है। नहीं माँ नहीं, अब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारी गरीबी के दिन दूर करने के लिए कर रहा हूँ। हमें चकमा मत दे जालसाज, तू इश्क में इतना अंधा हो चुका है तुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं। कान खोल के सुन ले, तुझे धर्मदास और उसकी बेटी को छोड़ना होगा। काम बनता नजर आ रहा बाबूजी, अधूरा कैसे छोड़ दूं? अरे कमबख्त कुछ तो सोच, उस जुए खाने में लोग तुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, उनके सामने तुझे बेटा कहते हुए शर्म आएगी मुझे। एक दिन वो भी आएगा बाबूजी, जब मुझे बेटा कहते हुए हाफ फक्र महसूस करेंगे, तब तक के लिए शर्म झेल लीजिए बाबूजी। सुन रही हो उसकी बातें, बाप को शर्मिंदगी झेलने के लिए कह रहा है, चाहता है खुद बदकारी के रास्ते पे चले और बाप देखता रहे। कभी सोचा भी नहीं था लक्ष्मी कि अपने घर में ऐसा नालायक पैदा होगा। जा दूर हो जा मेरी नजरों से, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। जा उसी धर्मदास के पास जा, अपना मुंह काला कर यहां से। क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटे। अरे राधा बेटी, वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। बस यूं ही चली आई थी आप लोगों के दर्शन करने, कर चुकी, अब चलो। आते ही लौट चली दरवाजे से ही। अंदर आओ ना बेटी, हमें इतना पराया क्यों समझने लगी? इस वक्त पराई तो मैं हूँ, शायद आप लोगों को घरेलू बातें करनी है। ठहरो राधा। विजय जी,
तुम जानना चाहते हो ना बेटा क्या हुआ? रवि घर छोड़कर चला गया। घर छोड़कर चला गया? मैंने उसे बहुत रोका बेटा, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। कहता रहा मैं जो कुछ कर रहा हूं सोच समझ कर कर रहा हूं। हौसला रखिए बाबूजी, हौसला रखिए। रवि के चले जाने से आप इतने निराश ना हो। आपके बड़े बेटे हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप सबकी देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे और एक दिन रवि को भी वापस ले आएंगे। विजय जी, आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बहू। बहू, डैडी। रवि कैसा काम कर रहा है? ठीक कर रहा है। कैसा लगता है आपको? ठीक है, अच्छा लगता है। सिर्फ अच्छा या बहुत अच्छा? ए, ये कुरेद कुरेद कर क्या पूछ रही है? कहीं तू उस गुरुगंटाल के चक्कर में तो नहीं आ गई? अरे नहीं डैडी, मैंने उसे काम दिलाया था ना, इसलिए पूछ रही थी। ओके डैडी, मैं चलती हूँ, जरा शॉपिंग के लिए जाना है। ओके ओके, बाय बाय। रवि, अभी पूरी तरह से लाइन क्लियर नहीं। तुम उन्हें अच्छे तो लगते हो मगर गुरु घंटाल भी लगते हो। देखती जाओ, थोड़े दिनों बाद मैं उन्हें बहुत अच्छा लगूंगा और साथ में महागुरु घंटाल लगूंगा। रवि, गुरु घंटाल वाला इंप्रेशन मिटाओ वरना डैडी हमारी शादी का परमिशन कभी ना देंगे। परमिशन तो मेरी जान उनका बाप भी देगा, वो भी कागज पे लिखकर। यू आर मैड। दिखा दूंगा तुमको। खैर अभी तो मुझे नौकरी पर जाना है, शाम को कहीं पर मिलो ना, पिक्चर देखने का मूड है। ओके, किस थिएटर पे मिलो? 3SS क्लब के सामने, 4 o'clock। मगर ललिता जी सीधा इधर आ रही है, देख लीजिए उधर। अरे अरे, बहुत डर आ गई तो सब हो जाएगा अभी, क्या रोको उसे। सेठ जी, मेरी तो यही सलाह कि आज अपना इतना बड़ा कारोबार दिखाई दीजिए उसे। क्या भगते हो? अरे आपकी बात वही तो मालकिन बनेगी, तो आज देख ले तो क्या हर्ज है? बंद करो ये बकवास। सेठ जी वो कहीं बारी अरे वो दरवाजे की तरफ देख रही, कहीं अंदर ना जाए, उसे यहाँ से ले जाओ। कहाँ ले जाऊँ, कैसे ले जाऊँ? अरे भाई इतने चलाक हो, इतने तेज हो, को खेल जाओ कोई जाओ। समझ में नहीं आ रहा सेठ जी, कैसे पटाऊँ उसको? किसी तरीके से भी पटाओ लेकिन उसे यहाँ से ले जाओ। ठीक है, तो लाइए हाथ। ये परमिट पटाने का। अरे मिल गया परमिट, ने दिया मुझे परमिट तुझे पटाने का। तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पटाने का। तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पटाने का। तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पटाने का। परमिट तुझे पटाने का। इस कागज पे ओए लिखा है इस कागज पे, टूट के प्यार तू कर मुझसे, टूट के प्यार तू कर मुझसे। ये कागज दिखला मुझको, क्या है लिखा पढ़ा मुझको। इसमें लिखा है मान ले बेटी, कहना इस दी
दीवाने का, तेरे डैडी ने दिया मुझ परमिट तुझे पटाने का, तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट पटाने का। छुपके आज मिला है मौका खुल्लम खुल्ला आग लड़ाने का, तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पटाने का, तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट पटाने का। हथौड़ा फिर खबर छाप दी नटवर ने शेर की मूछ को। आए? अरे कौन है आप दुष्ट लोग? हथौड़ा शेर की मांद में आकर शेर से ही छेड़खानी, शायद इस मूछ पे नजर नहीं डाली आप लोगों ने। डाली नजर भूतनी के, अब तो इस उस्तरे पे नजर डाल। बड़ा मंझा हुआ हाथ है श्रीमान, उच्च श्रेणी के खानदानी हज्जाम लगते हैं आप। तेरे लिए यमराज हूं बेटे, पकड़ो साले को। साले को? अरे अरे अरे, अरे, अरे ये कैसा अशिष्ट व्यवहार है बंदूकगण, कितनी क्लास फेल हो। चुप। उस दिन तो बड़ी डींगे मार रहा था। किसी और ने मारी होगी बंधु, मैंने तो अपने जीवन में एक मक्खी तक नहीं मारी, बड़ा कोमल स्वभाव है ना मेरा। बकवास बंद कर, उस दिन मैंने तुझे फोन पर कहा था कि आइंदा धर्मदास और दुर्लभ के बारे में कोई खबर ना छपे। कौन दुर्लभ, कैसा धर्मदास, मैंने तो इनका नाम तक नहीं सुना भाई। बहुत भोले बनते हो, आज फिर अखबार में तुमने इनके बारे में छापा। कौन सा अखबार, किसका अखबार? तेरा अखबार, उजाला। उजाला? मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है भाई। कुछ देर के बाद एक कार्टून भी नजर आएगा शीशे में। कार्टून? जकड़ो साले का मुंह। नहीं, नहीं, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये बड़ा नीच व्यवहार है। तुझे सबक सिखाने के लिए सिर्फ तेरी आधी मूछ काटी है शेर मर्द, आइंदा हमारे बारे में कुछ छापा तो कुछ और भी काट दूंगा। हथौड़ा? हथौड़ा नहीं, हथौड़ा नहीं। क्या क्या लिख डाला तुमने इस बार? इस
बार धर्मदास के खिलाफ काफी कुछ मिला है, अगले इश्यू में ही छप जाएगा। जी आपका आधा मुंह क्यों ढका हुआ है? दाढ़ दुखती है। सुनो, धर्मदास के खिलाफ अब कुछ नहीं छपेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने उसके और दुर्लभ के बारे में कुछ और खबरें इकट्ठा की है। झूठी है वो खबरें। धर्मदास का शहर में इतना मान है, तुमने बेकारी मुझे उसके खिलाफ भड़का दिया। ये आपको क्या हो गया नटवर जी? उस दिन तो आप कह रहे थे कि आप शेरों की मूछ रखते हैं। अरे बाबा, वही मूछें खतरे में हैं। कुछ और भी। कुछ और क्या? अब क्या बताऊं? अब यानी वो आरोप गलत निकले तो मेरी मूछ नीची नहीं होगी क्या? बिल्कुल सच्चे है वो आरोप। कुछ और लेख छपने तो दीजिए, साबित हो जाएगा। इस अखबार में क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा ये तय करना मेरा अधिकार है, सर। जन्म सिद्ध अधिकार। मगर ये अगर मगर कुछ नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसे लेख अब नहीं छपेंगे, नहीं छपेंगे। ये मेरा अटल फैसला है। कमाल है। अब क्या करेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिस काम का बीड़ा उठाया हमने उसे अधूरा तो नहीं छोड़ सकते यार। कौन? हेलो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? आइए आइए। क्या बात है सर, आप मुंह क्यों छुपाए बैठे हैं? अब क्या मुंह दिखाऊं मैं आपको? ओह, समझ गई। उस दिन की कविता पाठ के लिए आप शर्मिंदा है ना? हैं? शर्मिंदा? कविता पाठ के लिए? अजी छोड़िए, पसीने पसीने कर दिया था आपको। अगर वो कबाब में हड्डी न टपक पड़ता तो आप गश खाकर झूल जाती इन बाहों में। सर, मुझे एक हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए सर। एक दिन की भी नहीं? अगर आप दफ्तर नहीं आएंगी तो हमारा क्या होगा? पर सर, दफ्तर में दूसरी टाइपिस्ट भी तो है। अजी वो इलायची खिलाना क्या जाने, वो मंद मंद मुस्कान क्या जाने। इलायची सर? अवश्य अवश्य। कौन है? ये क्या सर? ओह, आपकी आधी मूछ गई किधर? हो गई है उस तरह की नजर। किसने काटी? दुर्लभ, खुद मैंने। खुद ही काट ली? और किसका हाथ पहुंच सकता है शेरों की मूछों तक? वाह, दरअसल आप ही कारण है इस मूछ मुंडन का। मैं? वो कैसे? सवेरे जब मैं बाथरूम में आपके ध्यान में खोया हुआ दाढ़ी बना रहा था तो उस तरह कुछ ज्यादा ही खींच गया। मुझे तो चिंता है कहीं आपकी लगन में एक दिन अपनी गर्दन न काट बैठूं। हाय, ऐसा जुल्म न कीजिएगा। नहीं, लीजिए इलायची खाइए। अवश्य, संसार में सबसे मजबूत बंधन है इलायची बंधन। खा लेता हूँ। तो मेरा भी मन रख लीजिए ना। दे दीजिए ना। क्या? एक हफ्ते की छुट्टी। कभी नहीं देंगे हम, इस सदा एक दूसरे के सामने रहना है। इलायची बंधन में जकड़ चुके हैं हम, और इस बारीकी को वो बेवकूफ विजय क्या समझेगा? कौन सी बारीकी? इलायची की बारीकी। वो बेवकूफ समझता है कि मेरे मुंह से बदबू आती है इसलिए आप मुझे इलायची खिलाती हैं, ऐसा कह रहा था। मिस्टर विजय बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्या आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो चाहिए छुट्टी, एक हफ्ते की नहीं पूरे महीने की छुट्टी। ओह वाओ, तब तो मैं हनीमून पे भी जा सकती हूँ। हनीमून? गोइंग टू बी वेरी सून। मैं शादी करने जा रही हूँ। बाय। शादी? हाय, इलायची की शादी? कवि और नटराज कटवा ले, बाकी की भी कटवा ले। कौन है बे? ओ मैडम नमस्ते। नहीं मैं समझा कोई ऐसे ही। जी जी जी, हुक्म कीजिए, विजय को भेज दूं, अभी भेज देता हूं आपके बंगले पे। सुनिए, मुझे श्रद्धा देवी ने बुलाया है। मैं आप मिस्टर विजय है ना? जी हाँ। प्लीज आके कह दीजिए कि मैं आ गया हूँ। मैं नहीं जा सकती, आप उधर बैठिए, वो अभी आएंगी। बड़ी मगरूर है, देखा तक नहीं। मिस्टर विजय, उनका गोला उठा देंगे क्या? पास ही तो पड़ा है। प्लीज उठा दीजिए ना। लीजिए। और सुनिए मेरे साथ, आप मेरा नाम जानती हैं तो ये भी जानती होंगी कि मैं श्रद्धा देवी के अखबार में असिस्टेंट एडिटर हूँ। उपकार करके नाराज होना, आप जैसे अच्छे कवि को शोभा नहीं देता विजय बाबू।
नमस्कार मैडम। तुम आ गए विजय? जी। आओ इधर बैठकर बातें करें। जी। बैठो। तुम्हारा कविता संग्रह छपकर आ गया है मार्केट में। जी। लोग पसंद कर रहे हैं। सब आपकी कृपा से हुआ मैडम। नहीं, तुम्हारी अपनी काबिलियत से हुआ है। सटार का तुम्हारा अपना एक अंदाज है। मैं चाहती हूँ तुम एक नया कविता संग्रह लिखो जिसमें नई बातें हों, नए विषय हों। कौन से विषय? अपने देश के मौजूदा हालात, हर तरफ कितनी करप्शन, कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अपनी कविताओं में इनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकते क्या? आपका सहारा मिले तो जरूर करूंगा मैडम, लेकिन अफसोस तो यह है कि अपने उजाला अखबार में जो आवाज बुलंद की गई है वो भी दबाई जा रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि सेठ धर्मदास ने भ्रष्टाचार के कुछ अड्डे खोल रखे हैं। हाँ? उनका भांडा फोड़ने के लिए राधा जी कुछ आर्टिकल्स लिख रही थी। नटवरलाल जी ने कहा कि अब वैसे आर्टिकल्स नहीं छपेंगे। मगर क्यों नहीं छपेंगे? मैं बात करूंगी नटवरलाल जी से। तुम दोनों चिंता मत करो, वो आर्टिकल छपेंगे। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अरे अरे, संभल कर बेटी, संभल कर। चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मी। विजय, ये मेरी बेटी है नैना। ये तो देख नहीं सकती। नाम रखा था नैना, वो बचपन में ही आंखें खो बैठी। मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है मिस्टर विजय, तरस से तो नाराजगी ही फली। चलो मम्मी। हाँ। संभल के। बड़ी स्वाभिमानी है। आंखों की रोशनी वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखा चुकी हूँ, अब तो यही फिक्र खाई जाती है कि मेरे बाद क्या होगा मेरी बच्ची का, कौन करेगा इसकी देखभाल। उनका ब्याह करा दीजिए ना मैडम, आंखें नहीं तो क्या हुआ, बाकी सब कुछ है उनके पास। रंग रूप है, माँ का इतना नाम है, दौलत है, इज्जत है, कोई भी अच्छा सा लड़का राजी हो जाएगा। यही तलाश है, लड़का गरीब सही लेकिन शरीफ हो। नई जिंदगी शुरू करने के लिए 15-20 लाख से मदद भी कर दूंगी मैं, लेकिन वो शादी करे तो सिर्फ मेरी बेटी के लिए, मेरी दौलत हासिल करने के लिए नहीं। मुझे यकीन है कोई नेक लड़का जरूर मिलेगा। कही है, कैसे आना हुआ? जी वो मेरा बेटा चाहता है कि सुजाता के साथ उसका लगन जल्दी हो जाए। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। लक्ष्मी मैंने कहा था ना, हमारी गरीबी का कोई असर अजित पर नहीं होगा, वो बड़ा समझदार लड़का है। होना ही चाहिए, इंग्लैंड में जो पढ़ा है। भाई साहब जी, लगन की तारीख बताइए। पहले आप लोग बताइए ना कि दहेज क्या होगा, रोना कितना देंगे। जी मेरे अजीत के लिए तो प्रेम बाबू लड़की वाले अब तक चले आ रहे हैं, 12-15 लाख देने के लिए तैयार हैं। 12-15 लाख हम कहाँ से लाएंगे, उजड़ चुके हैं। तो चलिए उजड़ने का कंसेशन देता हूँ आपको, दूसरे 12-15 लाख मुझे दे रहे हैं, आप 7 लाख दे दीजिए। अब ब्याह करने आए हैं या सौदा करने आए हैं, ये बात अजीत सुनेगा तो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, उसकी नजर में बाप का स्थान इंग्लैंड से भी ऊंचा है, वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन भाई साहब, सगाई के वक्त तो आपने 7 लाख रुपए की मांग नहीं की थी। क्यों करता, उस वक्त तो आप लोग करोड़पति थे, दामाद को 15 लाख तो दे ही देते ना, अब चलिए 7 लाख दे दीजिए। बिटिया को ब्याहने के लिए कुछ तो बचा के रखा होगा। हाँ, सिर्फ नेकनाम ही बचा पाया हूँ सिन्हा साहब, और उसको बचाने के लिए सब कुछ गंवाना पड़ा। लेकिन वो आप नूर हीरे तो आप ही के पास है ना? ये क्या कहते हैं आप, वो तो चोरी हो गए। लोग तो कहते हैं कि उन्हें आपने दबा लिया है। सिन्हा साहब आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मैं कहता हूँ वो हीरे चोरी हो गए हैं। ये कहानी तो आप दुनिया को सुनाइए प्रेम बाबू, मैं तो आपका अपना हूँ, मुझसे क्यों छुपाते हैं? अब बंद कीजिए बकवास, आप हद से गुजर रहे हैं, अपने बनते हैं और मेरे ही कैरेक्टर पे शक करते हैं आप। भड़किए मत, साफ सुन लीजिए, अगर मेरे घर लड़की ब्याहनी है तो 7 लाख भी देने पड़ेंगे, वरना समझ जाइए कि सगाई टूट गई। अरे नहीं देनी है तुम जैसे नीच को बेटी। हाँ। ऐसा मत कहो जी, भाई साहब सगाई मत तोड़िए, 4 लोग जान चुके कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी, हमारे दिन पलटते ही हम आपको 7 लाख रुपए भी दे देंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, सगाई मत तोड़िए। अरे मत करो इनकी मिन्नतें, ऐसे लालची की बहू होने से बेहतर है कि सुजाता उम्र भर कुंवारी बैठी रहे। जाओ तोड़ दो सगाई, चले जाओ, गेट आउट, गेट आउट। रहम कर परवरदिगार,
इनकी जान बख्श दे दो जहां के मालिक। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है जी? आप मेरी बात तो सुन सकते हैं ना डॉक्टर साहब? ये बोलती क्यों नहीं? किसी जबरदस्त टेंशन या परेशानी की वजह से सारे बदन पे फालिज गिरा है, टोटल पैरालिसिस। मेरे बाबूजी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, इन्हें किसी तरह भी बचा लीजिए प्लीज। मौत और जिंदगी भगवान के हाथ में है मेरे भाई, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। मेरे स्वांग को बचा ले भगवान, मेरे स्वांग को बचा ले। रो क्यों रही है सुजाता? मेरे कारण बाबूजी की यह दशा हुई है, सगाई टूटने के बाद अब मैं और जीना नहीं चाहती भैया। क्या पागलों जैसी बात करती है सुजाता? अच्छे लड़कों की कमी है क्या तेरे लिए? अरे एक से एक पड़े यहाँ। ये तो अच्छा हो कि सेना जैसे आदमी की बहू बनने से तू बच गई। हाँ मैं किसी और की बहू नहीं बन सकती भैया। क्यों? क्या हुआ सुजाता? मेरी तो देखो, क्या बात है सुजाता? या तू और अजीत, तुझे मेरी कसम सुजाता, मैं कहीं और शादी करने की काबिल नहीं रही भैया, नहीं रही। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। चुप हो जा सुजाता, तू फिक्र मत कर, तेरा ब्याह जीत से ही होगा। मगर कैसे होगा भैया, उनके पिताजी तो 7 लाख रुपए मांगते हैं। करूंगा कुछ, भले मुझे अपने आप को बेचना पड़े, लेकिन तेरा ब्याह तो अजीत से ही होगा। सुन, वो बात किसी को मत बताना। बाबूजी की जो हालत है ना, परेशानी की कोई भी बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मां को भी मत बताना, वो भी बहुत दुखी है। तू फिक्र मत कर। नमस्कार मैडम। आओ आओ बेटे, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? जी वो बोलो। जी वो मैडम, आपने उस दिन कहा था कि नैना जी के लिए अगर कोई अच्छा मुनासिब लड़का मिल जाए तो आप 15-20 लाख रुपए की मदद कर सकती हैं। हाँ जरूर करूंगी, बशर्ते कि लड़का पढ़ा लिखा और नेक हो। मिला कोई? जी मेरा ख्याल है शायद आपको अच्छा लगे। तुम्हें पसंद है तो अच्छा ही होगा। कौन है वो लड़का? हाँ भाई बताओ। मैं मैडम। तुम? ये तो बहुत खुशी की बात है विजय। चलो मुझे ले चलो अपने पिताजी के पास, मैं खुद उनसे उनका बेटा मांगूंगी अपनी बेटी के लिए। नहीं मैडम, मेरे बाबूजी को इस बात की खबर तक नहीं होनी चाहिए। मगर क्यों नहीं? बाबूजी पे फालिज गिरा है मैडम, हालत ठीक नहीं है। उन्हें किसी तरह का शौक देना जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर मेरी नेत्रहीन बच्ची उनकी जिंदगी के लिए खतरा है तो फिर कोई आंखों वाली बहू ढूंढो उनके लिए। मेरे बाबूजी को गलत मत समझिए मैडम, नेत्रहीन लोगों से उन्हें बड़ी हमदर्दी है, लेकिन वो ये कभी गवारा नहीं करेंगे कि मैं आपकी बेटी से ब्याह करके रुपया वसूल करूं। क्या सिर्फ रुपयों के लिए तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? दौलत के लिए अपने आप को बेचने आए हो? हाँ मैडम, खुद को बेचने आया हूँ, मगर दौलत के लिए नहीं, बहन के लिए। बहन के लिए? जी, अच्छे दिनों में बाबूजी ने उसकी सगाई कर दी थी कहीं, अब लड़के का बाप 7 लाख मांग रहा है, वही मेरे बिकने की कीमत मैडम, 15-20 लाख नहीं सिर्फ 7 लाख। बहन के सुख के लिए अपने आप को बेच रहा हूँ, वरना लड़के का बाप सगाई तोड़ देगा मैडम। क्या तुम्हारी बहन इस घटिया आदमी की बहू बनना चाहती है? लड़का बहुत पसंद है उसे, सगाई टूट गई तो वो अपनी जान पे खेल जाएगी मैडम। ये बात मैं बाबूजी को बता नहीं सकता, जब तक वो ठीक न हो जाए हर सदमे से बचाना होगा उन्हें। भगवान तुम जैसा नेक बेटा और भाई सबको दे,
तुम्हें जितनी रकम चाहिए मैं दूंगी। अगले महीने मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी। अगले महीने नहीं मैडम, कुछ ही दिनों में, ताकि उसके बाद मैं जल्द से जल्द अपनी बहन का ब्याह कर सकूं। लेकिन मुझे शादी के लिए इतनी सारी तैयारियां करनी है, उसके लिए वक्त चाहिए। कुछ खास लोगों को बुलाकर कोर्ट में शादी कर दीजिए मैडम। कोर्ट में जी? नैना मेरी इकलौती बेटी है विजय, उसकी शादी के लिए बड़े अरमान है मेरे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मैडम, मेरी बात मान लीजिए। अच्छा, जैसा तुम कहो। तुम जैसा होनहार दामाद पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। बाबूजी, नर्स कैसी लगी आपको? अच्छी है ना? मुबारक हो बहू, सर्टिफिकेट मिल गया तुम्हें। अब बाबूजी को हमारी सेवा थोड़ी पसंद आएगी माँ, सिर्फ बहू की सेवा चाहिए इन्हें। ये क्या बहू बहू लगा रखा है? अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ, तुम इन्हें बहू कहने लगी माँ? कैसे ना कहूँ बेटे, उस दिन तो तुम्हारे बाबूजी ने इसे बहू मान लिया था। और फिर ब्याह तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। कल किसने देखा है माँ? आदमी सोचता कुछ है, होता है कुछ, तो फिर ब्याह तो संजोग का खेल है माँ। लेकिन बेटे, तुम्हारे ब्याह में अड़चन किस बात की? ये राजी, तुम राजी, हम दोनों राजी। नसीब भी राजी हो तब ना। नसीब, संजोग, आज ये कैसी बातें कर रहे हो? आप नहीं समझेंगे राधा जी। कल तक तो राधा थी तुम्हारे लिए, आज क्या हो गया तुम्हें? आज मैं अपने आने वाले कल की तैयारी कर रहा हूं राधा जी। माँ, इनसे अब ब्याह करना मुमकिन नहीं मेरे लिए। मगर क्यों, आखिर हुआ क्या? माँ, मुझे बाबूजी का इलाज कराना है, इस घर का खर्चा भी चलाना है। एक और मेंबर इस घर में आ जाए, मैं उसका बोझ नहीं उठा सकता। माँ, देख अपने बाबूजी की हालत, तेरी बात सुनकर इन पर क्या बीत रही है। कुछ देर पहले ये कितने खुश थे राधा के आने से। अरे मूर्ख, इनका आधा इलाज तो राधा है, इसे जल्दी से ब्याह कर घर ले आ। जवान बेटी घर में बैठी है और आप लोगों को बहू लाने की पड़ी है, पहले बेटी पार लगाने की सोचो माँ। ये ठीक कहते हैं माँ जी, पहले आप बेटी की सोचिए। बाबूजी, बाबूजी अब सारी अड़चनें दूर हो चुकी हैं। वो सेना साहब आज कलकत्ता लौट रहे थे तो अचानक मुझे एयरपोर्ट पे मिल गए, तो मैंने उन्हें बताया कि आपको पैरालिसिस हो गया है, तो वो अपनी उस हरकत पर बेहद शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा हुए? सच? हाँ माँ, बहुत पछतावा है उन्हें। अब वो हमसे फूटी कौड़ी तक नहीं जाते, सुजाता का ब्याह जीत से करने को तैयार है। सिन्हा साहब को माफ कर दीजिए, इस शादी की इजाजत दे दीजिए बाबूजी, हम सबकी यही इच्छा है, सुजाता की भी। सिन्हा साहब मान गए, पछतावा भी जाहिर किया है, अब हमारा आने रहना ठीक नहीं होगा बाबूजी। आपसे विनती है, शादी के लिए हाँ कह दीजिए। बाबूजी, रात काफी हो चुकी है, आई मैं आपको घर छोड़ देता हूं। किस सोच में डूबे हो? समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताऊं आपको राधा जी। छोड़ो ये जीवी, राधा कहने लगे थे राधा ही कहते रहो। लेकिन तुम यही कहना चाहते हो ना कि पहले बाबूजी पूरी तरह से अच्छे हो जाए फिर शादी करोगे? मैं तब तक इंतजार कर लूंगी। मगर सुनिए तो, मुझे आपसे कुछ कहना है और वो बात बताना बहुत जरूरी हो गया। जरूरी बात? जी। और सड़क पर? रहीम चाचा, अरे कहाँ चली ये जुगल जोड़ियाँ? अरे रहीम चाचा, आप और ऑटो पर? हाँ भाई, और नहीं तो क्या, सारे कुनबे का बोझ अकेले विजय बबुआ ही उठाएंगे क्या? हमने भी ड्राइवरी सीख ली, चलो बैठो, दोनों को सैर करवा लाएं। अरे नहीं, मैं नहीं। नहीं घबराइए नहीं, हमारी नजर सामने सड़क पे रहेगी। नहीं नहीं रहीम चाचा, सैर वैर नहीं, मुझे तो घर लौटना है। अरे तो क्या हो गया बिटिया, घर छोड़ देंगे? आओ चलो उचक के बैठ लो रिक्शे में। लेकिन अच्छा विजय, कल मिलेंगे। देखिए आइए श्रद्धा देवी। चलो उसे आ लेने दो मम्मी, मेरी बड़ी आरजू है कि वो मेरी शादी में जरूर शामिल हो। कौन है ये वो? नैना की खास सहेली, बहनों जैसा प्यार है दोनों में, जाने अब तक आई क्यों नहीं? परी मैडम, मुझे ये मंगलसूत्र खरीदने में देर हो गई। मैंने सोचा भले कोर्ट मैरिज हो लेकिन दूल्हे राजा
चौंक गई ना विजय को देखकर। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे ऑफिस का साथी तुम्हारी सहेली का जीवन साथी बनेगा। आओ विजय। आप अपना अंगूठा यहां लगाइए। ला। यहां। राधा ये सुहाग माला विजय को दे दो। विजय राधा का अरमान है कि उसकी आंखों के सामने तुम ये सुहाग माला नैना के गले में डालो, है ना राधा जी? राधा का अरमान पूरा करो विजय। अब आप हमारी कार्रवाई पूरी कीजिए मिस्टर विजय। रजिस्टर पर आपके दस्तखत अब तक बाकी हैं। राधा वो कैसे लग रहे हैं बोलना, मैं उन्हें तेरी आंखों से देखना चाहती हूं। वो तुझे पसंद है ना? हाँ। तब तो मैं बहुत खुश हूं। मुझे ऐसा ही वर चाहिए था जो मेरी जान से ज्यादा प्यारी सहेलों को भी पाए। तू खुश है ना? बहुत। आसो। खुशी से दिल भर आया नैना। कभी सोचा भी ना था कि ऐसी खुशी मिलेगी। Thank you.
चली आई। प्रेम चाचा, अपने नसीब से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे कि मेरे अपने बहन की शादी की खबर मुझे गैरों से मिले। मुझे मुझे खबर क्यों नहीं दी गई रेम चाचा? हाँ, खबर देने कहाँ जाते बेटे? अपने घराने के दुश्मन उस धर्मदास के यहाँ आजकल वहीं रहते हो ना बेटे? रेम चाचा, मैं विवाह का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा है, कन्यादान कौन करेगा? सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके। भैया कन्यादान कर रहे हैं? बाबूजी का फालिज में है। फालिज में? कब से? कई दिनों से। कहाँ है बाबूजी? किस अस्पताल में हो? घर में है। हाँ बेटे, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें हर परेशानी और गुस्से से दूर रखा जाए। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए जी। आप बेटी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए बाबूजी, मैं आपसे वादा करता हूं इसे इतना सुख दूंगा कि यह जिंदगी भर आप लोगों की कमी महसूस नहीं करेगी। बाबूजी, इस हालत में छोड़कर जाने को जी नहीं करता, जी नहीं करता बाबूजी। तू इनकी चिंता मत कर सुनाता, मैं जी हूं ना, मैं तुझसे वादा करता हूं बाबूजी ठीक होकर बहुत जल्द कलकत्ते में तेरा सुख देखने आएंगे, है ना? चलो बेटी, चलो। बाबूजी मत रो बेटी, यही औरत का नसीब है, एक प्यार भरा घर छोड़ के नया घराना बसाना पड़ता है। आओ। चलो। रहीम चाचा। बेटी। जाओ बेटे, जाओ, खुश रहो। सुजाता, पैसे सुजाता की शादी के लिए लाया था मां। बाबूजी की इलाज की तू चिंता मत करना मां, मैं हूं ना, मैं इलाज कराऊंगा। ये पैसे तू इस हराम की कमाई से बाबूजी का इलाज कराएगा? ले जाइए रुपए और पड़ा रहे उस धर्मदास के चरणों में। आओ यहां बैठ जाओ। रात के 9 बज चुके हैं, अब मैं चलूं?
वो तुम जानो, मेरे लिए तो दिन और रात एक समान है। तुम पास हो तो उजाला, दूर हो तो अंधेरा। सुबह होते ही आ जाऊंगा ना, अब जाने दो। रोज चले जाते हो, आज रात यहाँ रह जाओ ना। प्लीज नैना, मेरी मजबूरी को समझो ना। बाबूजी की हालत तो तुम जानती हो, वो मेरी राह देखा करते हैं। उनकी देखभाल के लिए मुझे रात को घर लौटना ही पड़ता है। तो फिर मुझे वहां क्यों नहीं ले चलते? बड़ा अरमान है कि ससुर जी के चरण छू सकूं। मैं अब तक उन्हें बता नहीं पाया कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। उनकी हालत वैसे ही नाजुक है, थोड़ी सी समझ जाए तो मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ रात भी गुजार सकूंगा। जाने कब जाकेंगे मेरे नसीब। मुझे इजाजत दो जाने की, गुड नाइट अन्ना। सुनो, क्या बात है? पत्नी से विदा लेने का तरीका यही होता है क्या? तो फिर कौन सा तरीका? हाँ, ठीक ही तो है। तुमने भी होटल से काम लिया, गुड नाइट कहकर। गुड नाइट। राधा जी, आपके लिए फोन है। किसका? मैडम के बंगले से आया है। हेलो राधा, तुम इतना बदल क्यों गई हो? नहीं तो नैना, कहाँ बदली। तो मेरे घर आना क्यों छोड़ दिया है? मेरी शादी के रिसेप्शन में आई थी, उसके बाद ना तुम्हें छू सकी ना तुम्हारी आवाज सुनी। चुप क्यों हो, बताओ ना, क्या कसूर किया है मैंने जो तुम मुझसे दूर रहने लगे हो? आजकल मेरे सिर काम बहुत है। तुम बहाने मत बनाओ, फौरन आ जाओ। फुर्सत मिलते ही आ जाऊंगी नैना। नहीं, तुम्हें अभी आना होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू बीमार है? तब तो मैं फौरन आती हूँ। तू आ गई राधा। अरे कैसे जान गई तू? हवा के झोंके ने तेरी महक पहुंचा दी। झूठी कहीं की, फोन पे डरा दिया कि बीमार है। तू तो यहां भली चंगी बैठी है, फिर क्यों बुलाया मुझे? और किसको बुलाऊं? तेरे सिवा है ही कौन जिसके साथ अपना दुख दर्द बांट सकूं? अब तो तेरे पति भी है। यही तो दुख है, पति होके भी वो मुझे पत्नी नहीं समझते। तेरे साथ उनका बर्ताव ठीक नहीं है क्या? झिड़कते हैं तुझे, नाराज होते हैं? काश के छिड़कते, कभी नाराज होते, मुझ पे हुक्म चलाते तो उसमें भी अपनापन है। उनका बर्ताव इतना नम्र है जैसे कि मैं पराई हूं। इतना शांत है कि उसमें प्यार के आंच तक नहीं। क्या तू और विजय अब तक हारा था? मैं वो अभागन हूं जो सुहागन तो बन गए, लेकिन सुहागरात अब तक नसीब नहीं हुई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया आदमी निकलोगे, एक अंधी लड़की की बेबसी का फायदा उठाओगे। तुमने नैना के लिए नहीं, उसकी दौलत के लिए उससे शादी की है। नहीं दादा, मैं दौलत का लोभी नहीं। मैंने श्रद्धा देवी से उतने पहले जितने मेरी बहन के हाथ पीले करने के लिए जरूरी थे, उससे ससुर 7 लाख मांग रहे थे। उस दिन तो तुम बाबूजी से कह रहे थे कि
उन्हें रुपए नहीं चाहिए? बहन की जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा, मुझे शादी भी करनी पड़ी, लेकिन भगवान जानता है कि मैंने वो रुपए कर्ज के तौर पे लिए हैं। एक दिन मैं जरूर वापस कर दूंगा। ओह, बहन की जिंदगी तो बचा ली, लेकिन नैना की जिंदगी अब उसका क्या होगा? पति का फर्ज पूरा करूंगा मैं। औरत के गले में मंगलसूत्र डाल देने से वो फर्ज पूरा नहीं होता विजय। पत्नी के अरमान तभी पूरे होते हैं जब पति की बाहें उसके गले का हार बने, पति का प्यार मिले उसे। मैं उसे प्यार भी देना चाहता हूं राधा, लेकिन क्या करूं, दिल से मजबूर हूं मैं। पहला प्यार भुलाया नहीं भूलता मुझसे। क्या तुम अधक? नहीं विजय, ये गलत है। अब मेरा ख्याल दिल में लाना तुम्हारे लिए पाप है। ये ऐसा पाप है जिस पर इंसान का कोई जोर नहीं। क्या तुम बुला सकी मुझे? नैना के दुख का कारण मुझे मत बनाओ विजय, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। उस दिलचस्पी तो लो, वो मुझसे बहुत बेहतर लड़की है। उसे सुख दोगे तो इतना सुख पाओगे कि जीवन स्वर्ग बन जाएगा तुम्हारे लिए। अब तो यही एक रास्ता है, सुख देकर सुखी होना सीख लूं मैं, समझा लूंगा अपने दिल को, लेकिन तब तक नैना को सब्र करना पड़ेगा। इलायची की शादी हुई मेरी बर्बादी। हा? 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 कौन? आप लोग फिर आ गए, अब किस लिए? काटने के लिए। नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा, अभी तो मेरे हाथ भी पीले नहीं हुए, लंगोटधारी कुंवारा युवक और कुंवारा ही मरेगा साले। नहीं रहे। हमारे साथ दोगलापन किया तूने, फिर खबर छापी। नहीं, मैंने नहीं छापी, विश्वास कीजिए उसरा नरेश, उसे छापने का दोषी मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन है? राधा, आप जैसे साधु जन इस संसार में क्या महान कार्य कर रहे हैं वो सबकी रिपोर्ट लाती है राधा बहन। रुको, कितनी कसी हुई जवानी है कि सर से पांव तक हथौड़ा ही हथौड़ा। मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर तूने हमारे खिलाफ लिखना बंद नहीं किया तो मेरे मुस्टंडे तुझे उठा कर ले जाएंगे, और फिर उसके बाद बारी बारी। नहीं। हथौड़ा। तो ये यतीम बच्चों के नाजायज बाप तुम हो? जाए हथौड़ा। अबे हथौड़ा नहीं, तू मकोड़ा है मकोड़ा। जाइए।
रवि ने तुमको बचाया? यही तो ताजुब की बात है। रवि भी धर्मदास का आदमी है, मगर मेरी खातिर उसने अपने ही आदमियों से मारपीट की। उसका खून पुकार उठा होगा। वो तो अभी भी ये समझता कि तुम उसके भाई की, वो तुम्हारी बेइज्जती कैसे देख सकता था। वैसे एक तरह से अच्छा हुआ कि वो लोग मुझे उठा के ले गए। अब पता चल गया है कि डोंगरी पर उनका एक और अड्डा भी है। अब ये पता करना है कि वहां क्या कारोबार चलता है। मैं पता करूंगा, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब उस छोकरे रवि का क्या किया जाए दुर्लभ? खलास कर दो, जिंदा छोड़ दिया तो वह धर्मदास के सामने मेरी पोल खोल देगा। अंधेरा बढ़ जाए तो उसकी लाश को बाहर फेंक देना। अंधेरा काफी बढ़ चुका है, चलो उसकी खटिया खड़ी करने के लिए। रवि, रवि, उठ रवि। आज मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। ढूंढो साले को। बोलो, इस तरह भागा है क्यों? भगवान करे तुम्हें बहुत जल्द होश आ जाए, तब तक शायद दरवाजा भी खुल चुका होगा। फौरन भाग ले मेरे भाई, तेरा पीछा। भैया। माँ, 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 भैया कहाँ है? माँ, आज इतने दिनों बाद भैया की याद कैसे आ गई? अब बताओ भी कहाँ है भैया? रोज जाए कहाँ रहता है, रात को देर से लौटता है, मगर आज तो भैया कहाँ है वो? तू कुछ जानता है? बोलना, कहाँ है विजय? कुछ गुंडे मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए, शायद मुझे बचाने के लिए विजय भैया भी वहां पहुंचे। और तो तेरे साथ क्यों लौटा वो? क्या हो गया उसे? तेरे बुरे कर्मों की आज तेरे भाई तक भी पहुंचने लगी। एक वही तो है हमारे बुढ़ापे का सहारा, उसे बर्बाद करने से पहले मेरा गला घोंट दे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी, जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। माँ, मुझे समझने की कोशिश करो। माँ, मुझे समझने की कोशिश करो। माँ, सब मुझे गलत समझते हैं। रवि, भैया, भैया, भैया तुम आ गए। शुक्र है तुम भी वहां से बच निकले। ये ले तेरा कोट। अरे, अरे, ये खून कैसा? मामूली सा घाव है, अंधेरे में बेचारे का निशाना चूक गया, गोली बदन से छूके निकल गई। आजा मेरे भाई, तुम अपनी जान दे रहे थे भैया, अब तो धर्मदास का साथ छोड़ दे मेरे भाई। भैया, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। क्या बकते हो?
वक्त पिया हो क्या? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बेटी तुम जैसे चालू आदमी के पल्ले बांध दूंगा? क्यों नहीं बांध सकते? उस बेटी की माँ को भी तो तुम जैसे माँ चालू के पल्ले बांधने गया था। अरे उसकी माँ के बाप से जाने में गलती होगी थी, लेकिन मैं ये गलती हरगिज नहीं करने वाला। मैं अपनी बेटी की शादी एक पढ़े लिखे शरीफ लड़के के साथ करूंगा। शरीफ लड़का ढूंढोगे तो उसे भी तो लुच्चा बनाना पड़ेगा ना, तुम्हारा काला धंधा चलाने के लिए उसको भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। और इस वक्त पूरी तरह ट्रेन लुच्चा मौजूद है तुम्हारे सामने। तुम जैसे पापी ससुर को मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड दामाद नहीं मिलेगा शहर में ससुर जी। चुप, बकवास बंद करो। अर्ज कर रहा हूं मैं, कोई आ रहा है। तुम मुझे जिंदा देखकर बड़ी हैरत हो रही होगी ना तुमको। जिंदा देखकर? हाँ सेठ जी, कल इन्होंने अपने गुंडों के साथ मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश की, और ये वही गुंडे थे जिन्होंने आप पर और आपकी बेटी पर हमला किया था, और उनका सरदार आपके सामने खड़ा। ये झूठ बक रहा है सेठ। जिन गुंडों ने तुम पर हमला किया था वो मेरे आदमी नहीं थे सेठ। उस दिन तुम्हारी गाड़ी नहीं रोकी थी गुंडों ने, मैं नहीं लड़ा उनके साथ। अरे वो सब एक चकमा था सेठ जी, आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका हीरो का हार उड़ाने के लिए। थोड़ा धूल तो ये झोंक रहा है तुम्हारी आंखों के अंदर। एक तरफ तुम्हारा सेक्रेटरी बना हुआ है और दूसरी तरफ तुम्हारे दुश्मनों की मदद करा यार हमजादा। मेरे दुश्मनों की मदद? हाँ तुम्हारे दुश्मनों की, जो लौंडिया हमारे खिलाफ उजाला अखबार में जहर उगलती है। मैंने अपने आदमियों के जरिए उसे उठवा लिया, लेकिन ऐन मौके पे पहुंच गया उस फूलझड़ी को बचाने। उस लड़की को मैं पूना से जानता हूँ सेठ जी। क्या तुम ये नहीं जानते थे कि वो हमारी दुश्मन है? बिल्कुल नहीं जानता था। अच्छी तरह से जानता था, ये उजाला अखबार का जासूस है सेठ। उजाला अखबार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं सेठ जी, ये झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर क्योंकि मैंने इसकी पोल खोल दी। अरे जा तू, क्या मेरी पोल खोलेगा? अरे जा जा, तुझको प्रकोष्ठ में प्रवेश कर सकता हूँ दुर्लभ जी। कौन है ये जोकर? उजाला अखबार का एडिटर है ये। नमस्कार। अरे साहब क्या मौके पर आए हैं आप, बताइए। आप ही बताइए सेठ जी को, मैं भला उजाला अखबार का आदमी हूँ क्या? आदमी तो आप हैं, लेकिन उजाला के नहीं। लो वैसे आपका शुभ नाम जी? मुझे जाओ ये सब, पहले ये बताओ तुम मेरे घर में आए क्यों? आपको उजाला अखबार का मालिक बनाने के लिए। उजाला अखबार का मालिक और मैं? जी वो श्रद्धा देवी से अब इस उम्र में कारोबार संभाला नहीं जाता, वो उजाला प्रकाशन बेचकर रिटायर होना चाहती हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो मैं सौदा सस्ते में पटा सकता हूँ। जरूर खरीदिए सेठ जी, फिर आपके खिलाफ उस अखबार में कुछ नहीं छपेगा। अजी हम अखबार वाले चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आप तो जानते हैं आपकी हराम की कमाई को हम हलाल की कमाई साबित कर देंगे, आपके जुए खाने को मंदिर बना देंगे, और आप दोनों धुरंधरों को कर देंगे। क्या मतलब? धर्मात्मा साबित कर देंगे और क्या। ए, खास लेट में नहाए हुए छुछुंदर। कहीं तू हम दोनों का मजाक तो नहीं उड़ा रहा है? नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं उस तरह नरेश, मैं आप मजाक उड़ाऊं तो आप मेरी गर्दन उड़ा देना। सेठ मेरी बात का विश्वास कीजिए, इस सौदे से आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है शारदा देवी से बातचीत करो। परसों उनके बंगले पर उजाला प्रकाशन का रजत जयंती समारोह है, तो देवी का आग्रह है कि आप अवश्य पधारें, बाकी बातें वहीं तय हो जाएंगी। नमस्कार। मैडम आप है श्रद्धा देवी, ये है श्री धर्मदास जी। नमस्कार। और ये है दुर्लभ जी, इंग्लिश में मिस्टर डिफिकल्ट। ये पार्टी आप ही लोगों के लिए दी गई है। थैंक यू इंडीड। अरे प्रेम बाबू आ गए। अबे ये क्या चक्कर है, तू तो कह रहा था कि ये पार्टी सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन खास मेहमान तो ये अपंग है। ये पंगा क्यों दिया गया है? ये पार्टी खत्म होने से पहले आप दोनों जान जाएंगे, थोड़ा धीरज रखिए। आप मेरे घर पधारे प्रेम बाबू, मुझे इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये श्रद्धा देवी जी है हमारे उजाला पब्लिकेशन की मालकिन। अब आपकी तबीयत कैसी है विजय? पहले से बेहतर है, भगवान करे जिस मकसद से आपने ये पार्टी दी है आज वो चमत्कार भी हो जाए। लीजिए जोश नाई विस्की बोल विस्की। ये ठंडी पार्टी है, मैं तो सोच रहा था कि हथौड़ा होगी हथौड़ा। आजी हथौड़े भी पड़ेंगे, थोड़ा पार्टी को आगे चलने दीजिए। पार्टी में जाने से पहले इसे पहन लो। धर्मदास सेठ वो अंधी के साथ वो लौंडिया देख, वही है जिसने उजाला अखबार में हमारे खिलाफ जहर उगला था। नटवर जी ये क्या मच रहा है? पार्टी हमारे लिए दी गई है और हमारे दुश्मनों को यहाँ बुला गया। अरे तो चिंता किस बात की सेठ जी, आपका रक्षक भी तो फान पड़ा इस पार्टी में आपकी सुपुत्री के साथ ललिता। डैडी
लली, ये हार तुम्हारे हाथ कैसे लगा? सौभाग्य से डैडी। तुम चुप रहो लली, हर तरफ फौरन जल्दी निकल दे। मगर क्यों डैडी? हाँ मगर क्यों डैडी? इसके गले में कोई चोरी का हार तो है नहीं, सीटी क्यों गुल है? शट अप। आज इस पार्टी में कुछ चीजें अपंग लोगों की मदद के लिए नीलाम की जाएंगी। मैं अपनी तरफ से चंद जेवरात पेश कर रही हूँ। इस नीलाम से जो रकम जमा होगी वो अपंग चैरिटेबल ट्रस्ट को भेंट कर दी जाएगी। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप दिल खोल कर इस नेक काम में अपना सहयोग दें। क्यों मैम साहब, क्या ख्याल है? दे दे सहयोग, कर दे ये हार नीलाम। करना चाहो तो कर दो, तुम मालिक। क्या भक्ति हो, मालिक मैं हूँ जी। अब मैं हूँ सेठ जी, वो उस दिन आपने पटाने का परमिट दिया था। तुम अपनी जबान बंद रखो, समझे? चलो हार दो, हार दो मैं कहता हूँ। एक तो बगैर पूछे हुए हार पहनकर चली आई और ऊपर से नीलाम करना चाहती है। चलो। पर इसमें आपको क्या इतराज हो सकता है डैडी? तुम मेरी लुटिया डबोने पर तैयार हो और मैं एतराज भी ना करूं? एतराज कैसा सेठ जी? आओ ले लिया, मैं बोलता हूँ। मैडम, इस युवती के गले का हार, आप आज लोगों की सेवा में हाजिर है, सबसे पहले इसे नीलाम किया जाए। चिल्लम जैसा मुंह खोल कर क्या देख रहे हो घोंगा बसंत? जाओ अपनी लौंडियों को पकड़ कर लाओ, वरना इतना कीमती हार हाथ से निकल जाएगा। भाई साहब, ये हार बहुत कीमती है। 10 करोड़ का है। सावधान भाइयों, देवियों और सज्जनों, सावधान। सोच समझ कर बोली लगाइए, सोच समझ कर। पता चला है कि ये हार 10 करोड़ रुपए का है। जी, अरे खुद ही देख लो। ये क्या बकवास कर दी तूने हरामजादे, काट कर दूंगा। अरे काटने की बात तो बाद में देखेंगे, अभी पकड़ के दिखा। एक्सक्यूज मी धर्मदास जी, वो आबनूर हीरो का हार भी 10 करोड़ रुपए का था, कहीं वही हार आपकी बेटी के गले में तो नहीं? नहीं नहीं, वो हार भला मेरी बेटी के गले में कैसे आएगा? ये तो बहुत ही मामूली सा हार है, बहुत ही मामूली सा। अच्छा। सिर्फ 1 लाख रुपए का है। फिर भी भाइयों, ये हार इस सुंदरी के गले तक पहुंचकर करोड़ों का लगता है। इस हार का कारीगर कौन है ये तो सेठ धर्मदास ही जाने। लेकिन ये सुंदरी सेठ जी की कारीगरी है। लगाइए लगाइए, बोली लगाइए, मेरा मतलब इस हार पर बोली लगाइए, सुंदरी पर नहीं। शुरू हो जाइए। 20,000, 22,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000। आगे बढ़िए भाइयों, वरना ये हार 50,000 में चला जाएगा। 50,000 एक, 50,000 दो, 50,000 शाबाश सेठ जी, आप ये हार कैसे छोड़ सकते हो? बाप का माल जो है कोई 1 लाख से आगे बढ़ने वाला? बोलो भाइयों। 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। कोई 5 लाख से आगे बढ़ने वाला है? कोई माई का लाल जो सेठ धर्मदास को पछाड़ सके? कोई नहीं। 5 लाख 1, 5 लाख 2। ठहरो बाबूजी, अब हीरो का यही है, यही है वो हार। शंकर, जा के मेन स्विच देखो। ललिता, मेरे में क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है नहीं? रवि, मेरा हार कौन ले गया? मेरा हार कौन गया? सबकी तलाशी लो। देखिए कोई बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, हार के लिए सबकी तलाशी होगी, कोई बाहर नहीं जाएगा। मेरा हार कहाँ है? घबरा मत, तलाशी हो रही है, बहुत जल्द मिल जाएगा हार। डैडी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, अंधेरे में घर चले गए होंगे। तुम भी चलो, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जाने की एक वजह है, आओ मेरे साथ। पता करो वो हार मिल गया कि नहीं। मिलना है तो मिल जाएगा बाबूजी। आपको जबान मिल गई
मुझे दो जहान की दौलत मिल गई। बस नैना, तुम्हारे सामने विजय के बाबूजी हैं। बहू, तुम इतने दिन हमें कैसे भूल गई? बहू भूली कहां बाबूजी, आपके चरण छूने के सौभाग्य को तरस रही थी। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटी। बेटे, बहुत कुछ बताना है बाबूजी। हाँ? आप घर चलिए, मैं आपको सब बता दूंगा। नैना, मैं बाबूजी को घर छोड़ के आता हूँ। अच्छा, चलिए फिर लौटेंगे ना? हाँ जरूर लौटूंगा। प्रथा, शुक्र है गायब नहीं हुआ। ललिता के गले में जरूर नकली हार रहा होगा। क्या हो रहा है धर्मदास? तो ये है आपका धर्म, भगवान की मूर्ति की आड़ में चोरी का माल छुपा रखा है। नहीं, ये चोरी का माल नहीं है, ये मेरा है। हाँ हाँ, तो अभी पता चल जाएगा। अरे ललिता, दौड़ कर इधर आना। तो क्या बात है रवि? अपने डैडी के हाथों में ये हार देखो। अरे ये तो वही हार है जो मेरे गले से चुराया गया था। नहीं बेटी, वो हार नकली था, ये असली है। झूठ मत बोले सर जी, आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो हार नकली था? इसलिए कि उसे मैंने ही बनवाया। हाँ हाँ, आप कैसे बोले? इसलिए कि उसे आप ही ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था, किस मकसद से बनवाया था? मैं बोला कि वो होने लगा, लेकिन बेटी वो जो हार तेरे गले में था वो नकली था। और जो तुम्हारे सामने चोर है वो असली हार का मौजूद है। अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, अभी फोन करता हूँ। नहीं प्लीज, पुलिस को फोन मत करो प्लीज। अरे डरना कैसा सेठ जी, हार तो आपका अपना है ना। हाँ तो फिर डरना कैसा? अभी नहीं, नहीं प्लीज, पुलिस को फोन मत करो प्लीज। देखो तुम बोल रहे थे गुस्से को चाहते हो ना। तुम्हें, मैं तुम्हारे ससुर बनने वाला हूँ। तुम अपने ससुर को पुलिस में दे दोगे? अरे इससे ससुर को तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए, मगर इस बात का फैसला बाबूजी करेंगे। बाबूजी? कौन बाबूजी? प्रेम बाबू, उन्हीं का बेटा हूं मैं। क्या? अरे यही है बेटे, यही है असली आबनूर हीरे, आखिर ये हमें मिल ही गए। अब हमारे घराने की खोई हुई खुशियां भी वापस लौट आएंगी बाबूजी। बस दुख है तो इस बात का कि इन्हें पाने की कोशिश में मुझे अपने माता पिता का विश्वास खोना पड़ा। रवि? हाँ बाबूजी, इन हीरो तक पहुंचने के लिए मैंने आपसे नाफरमानी की, आपके दुश्मनों से जा मिला, आपका दिल दुखाया। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए जो हमने तुम्हें गलत समझा। हाँ बेटा, हम तो यही समझे थे कि धर्मदास की बेटी के इश्क में तुम इनसे जा मिले हो। मैं ललिता से प्यार करता हूं, इस बात से मुझे इनकार नहीं है, मगर आप जैसे माता पिता पर मैं ऐसे हजार इश्क कुर्बान कर सकता हूं बाबूजी। नहीं बेटे, नहीं बेटे, नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना बेटे। तुम मेरी बेटी से इश्क करते रहो, वरना मैं मारा जाऊंगा। अरे अगर इनका सब्जी बनने का चांस हाथ से निकल गया तो ये जरूर मुझे हथकड़ी लगवा देंगे। अच्छा पहले ये बताइए कि उस पार्टी में वो नकली हार आपने नहीं उड़ाया तो फिर किसने उड़ाया? अजी उसी अथौड़े के बच्चे दुर्लभ ने। हाँ, शायद मेरे लिए लाए होंगे। आगे तो कुछ बोलो ना, तुम्हारे लिए राधा ने मुझे अपने हाथों से सजाया है, मगर मैंने ये हार खुद पहन लिया। अच्छी लग रही हो ना? सचमुच? ये क्या हो किए जाते हो, खुल के बोलो ना, कैसी लग रही हो मैं? हथौड़ा। Oh,
राधा, राधा, ये क्या हो राधा? राधा, आंखें खोलो राधा, आंखें खोलो राधा, राधा, राधा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगा। राधा, कुछ भी हो राधा, राधा, राधा आंखें खोलो राधा, क्या हो राधा? क्या हो तुम्हें? हथौड़ा तोड़े को इन हाथों से नहीं तोड़ा तो रवि मेरा नाम नहीं। पुलिस स्टेशन पे श्रद्धा देवी बोल रही हूँ। हथौड़ा सत्यानाश हो तेरा टकले। बता कहाँ है वो हार? मुझे नहीं मालूम। अभी उस अंधी के गले में था। बता कहाँ छुपाया तूने हार? मैंने नहीं छुपाया। पूरी चाकू देख रही हो? जब ये अंदर जाता है तो अंतड़ियां बाहर निकल आती हैं। जल्दी बता वो हार कहाँ है? दरवाजा खोलो। जल्दी बता वो हार कहाँ है? बता वो हार कहाँ है? बता वो हार कहाँ है? वरना मैं तो जान से मार दूंगा। बता वो हार कहाँ है? तुम
अब कोई फायदा नहीं है। राधा कहाँ है? नैना, नैना मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तुम भी मेरे पास आओ, मैं जा रही हूँ। अब तो मेरे पास आओ। ऐसे नहीं कहते नैना। मुझे छोड़ के मत जा मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। बुढ़ापे में बिल्कुल अकेली। अकेली कहो? राधा भी तो तुम्हारी बेटी जैसी है। अब ये लेके मेरी जगह तुम्हारे लिए भी और मेरे पति के लिए भी। तेरी जगह मेरे जीवन में कौन ले सकेगा? तुझ जैसी बहन मुझे कहाँ मिलेगी? मेरे लिए तुझे जीना होगा नैना, तुझे जीना होगा। तेरी आंखों में सदा जीऊंगी राधा। अपना सुहाग तुझे सौंपकर तेरी नजरों से मैं सदा देखूंगी उन्हें। अपना हाथ दो नैना। नैना, मैं जाने से पहले ये सुहाग माला राधा के गले में चुना चाहती हूँ। ये तू क्या कह रही मेरी बच्ची? साल ने जीते जी अपना सुहाग किसी और को नहीं सौंपा करती है। इसी में मेरी आत्मा को शांति मिलेगी माँ। इस सुहाग माला पर राधा का ही अधिकार है। नहीं नैना, नहीं। इसे पहना। ये सुहाग माला, उसे पहना। ये तुम क्या कह रही हो नैना? नहीं, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। नहीं, वक्त बहुत कम है, मेरी बात मानो। हरे रामा हरे कृष्णा धर्मदास जी, ये क्या स्वांग रचा लिया आपने? अब कौन सा पैंतरा खेलने वाले आप अंकल जी? अरे भाई, खुद मेरे साथ आपके रवि ने धोबी पछाड़ खेला है। कहा कि मैं बाकी का जीवन तीर्थ स्थानों में जाकर झाड़ू लगाऊं। अंकल, स्वर्ग में अगर एडवांस बुकिंग करानी है तो अपने तमाम कर्मों का वही खाता इसी धरती पर ठीक करना होगा। इसलिए तो बेटा मैं अपने पापों की सारी कमाई को दान करके जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। और अब तो मेरी बेटी भी इस घराने की बहू बन गई है। भगवान करे सदा बना रहे ये घराना। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। सितम हम पे कर ले सितमगर जमाना, सलामत रहेगा ये घर ये घराना, सलामत रहेगा ये।